यार हमेशा उसी को फोन कॉल करता है जब बंदा बिजी हो। हाँ भाई क्या हाल है? अरे यार हाल वाल छोड़े, बाहर खड़ा हूँ, गेट खुलवाए यार आप। ना कर यार, मैं भी सोचा था हसन ने इस टाइम कॉल किया, मैं स्क्रिप्ट याद कर रहा हूँ और तुम बिल्कुल बाहर खड़े हुए हो। वाह, तो करे ना यार खोले। अच्छा एक मिनट, एक मिनट भाई। खादिम खादिम गेट खोलो, दोस्त आया है बाहर। हेलो, सलाम अलैकुम, क्या हो गया भैया? एक तो हमेशा तुम्हारी कॉल, या तुम खुद कब आते हो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करता हूँ? और ये स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट है जो मैं 3 दिन से रख के बैठा हुआ हूँ कि मैं पढ़ना शुरू करूँ, लेकिन कोई ना कोई मसला आता है। और तुम जो आज तुमने मूड बनाया हुआ ना, मुझे यकीन लग रहा है कोई मसला है। पड़ोसी हूँ ना मैं आपका। तो हूँ कि नहीं हूँ यार? हूँ ना, कुछ बोलना चाह रहा हूँ। सगा पड़ोसी हूँ, सोतेला पड़ोसी हूँ मैं आप। हाँ हो यार, कभी कभी ये हो कि यार कोई खुशी का मौका हो तो मिठाई भिजवा दी, 2 किलो नहीं आधा किलो भिजवा दी। सही। कभी कोई निदा ने कोई बिरयानी बनाई हो तो बुला लिया, हसन बिरयानी बनाई है आओ खा लो, लेग पीस तुम्हारे लिए निकाल के रखा है। देखो ताली, कभी ताली हमेशा दो हाथ से, बड़ा कौन है, ताली दो हाथ से बजती है। स्टैचर में पहले छोटा शुरू करता है, उसके बाद बड़ा शुरू करता है। स्टैचर में और उम्र में आप बड़े हैं मुझसे यार। कभी आपने ईद के ऊपर दावतें हो रही हैं, ये नहीं हुआ कि हसन आ जाओ, अकेले आ जाओ, चलो फैमिली को ना भी लेके आओ, अकेले आ जाओ, तुम सवैयां खा लो बस आके। अच्छा कभी क्या है, कैमरा लेके क्यों घूम रहे हो? कैमरा क्या बताऊं आपको यार, वो क्या हुआ, आपने कैमरा लेके, ये माइक भी लेके घूम रहा हूँ मैं, ये भी मैंने लगा रही है। वो सुना ना आपने, वो लोग बेघर हो जाते हैं, सुना ना आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बेघर तो नहीं हुआ, आपका घर है, अगर हुआ भी तो यहाँ आ जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा। बेसेट हो गए हूँ, बेसेट। मेरा शो है ना टॉक टॉक शो, आई थी निदा जी, आई थी, 10 मिलियन से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज आए थे उसके, उस सेट तो निदा की वजह से आए होंगे ना। तो मैंने कहा शायद कोई खैर, बात तो सुने ना, बात सुने आप। सीन क्या है? वो मेरा, देखो मेरा पैसे वैसे नहीं है, अगर उधार मांगने आए। अरे यार मुझे पता है आपके पास पैसे, आप वो शख्स जो बिरयानी ना कभी जिसने खिलाई, पैसे कहाँ से देगा? अब इसके उधार के अलावा भी बात करो। बात समझें, मेरा सेट तोड़ दिया। किसने? ये पसंद ना असल में टीवी वालों ने, एक्सप्रेस वालों ने मेरा सेट तोड़ दिया। इतना हिट शो, व्यूज ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब के ऊपर, सेट तोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अब सेट तोड़ दिया, उसके बाद कह रहे हो हमें अपसेट करने आए हो। सेट तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे, तो फिर आगे तो मैं बात मतलब की बात करो ना। मैं किसको जानता हूँ कि जो कि जिसका इतना तजुर्बा हो। देखो 4 गलियां छोड़ के सुनीता मार्शल और अहमद हसन भी रहते हैं मेरी गली में रहते हैं, ठीक है? ये 3 घर छोड़ के शेफ महबूब भी रहता है। आपने तो खिलाया नहीं, खिलाया शेफ महबूब ने भी कभी नहीं खिलाया कुछ। तुम्हें नहीं पता आपको खिलाया शेफ महबूब ने? मुझे एक दफा खिलाया था, वो भी शायद बच गया था। अबे यार ये हमारा नेबरहुड, मेरे 2 घर छोड़ गए, एक ये 1 2 नहीं बल्कि 2 भी नहीं यार, 1 घर छोड़ गए। मेरे ख्याल में सब छोड़ा, मैं और आप शेफ महबूब के घर चलते हैं। सीरियसली मैं टेरेस में जाता हूँ तो उसका टेरेस नजर आता है मुझे। अच्छा हाँ, तो हम 1 घर छोड़ गए, शेफ महबूब भी नहीं खिला रहा हमें कुछ। देखो यार असल मसला यार, मैं मेरा मसला नहीं सुनना आपने। अच्छा मुझे पता है कि मसला है क्या, मैं समझ गया हूँ आपको, पहुंच तो गया हूँ मैं वहां तक। भाई मेरा शो जो है ना, वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई रिन्यू, ये हिट शो कैसे बन सेट रहा? यही तो समझने आया हूँ, यही तो नहीं समझ में आ रही। निदा जी कहें 14 साल से शो चल रहा है भाई रोज। मैंने कहा कोई वो न्यू नोट्स लूं, ये आपसे पर्चा लेके बैठूं, यहां पे लिखूं कुछ करके जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। तुम चाह रहे हो, तुम निदा के शो को टक्कर देना चाह रहे हो? नहीं ना, या कुछ सीखना चाह रहे हो? नहीं सीखना चाह रहा हूँ, ट्रेनिंग। निदा भी जा रही है किसी दावत में? कहाँ जा रही है वो? तैयार हो रही है। आप नहीं जा रहे दावत में? नहीं मैं नहीं जा रहा, वो ऐसा कैसे, आज तक मैंने तो गर्ल्स पार्टी है वो, तो गर्ल्स तो ज्यादा बनता है आपका जाना, लेके नहीं जा रही मुझे। अच्छा मेरा मूड खराब था, आपने थोड़ा सा मुझे चेयर अप वैसे कर दिया आपने, लेकिन अब बात यह है यासिर भाई, असल में ये कैसे मैं इसको अब अपने शो को, ये शो का स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे ड्रामे का स्क्रिप्ट है। 3 दफा मारा तुमने नीचे, इससे कोई आउट ही हो जाएगी ना बात। तुम चाहते हो मेरे शो का भी सेट टूट जाए? अच्छा भाई बड़े बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हैं आप, देख रहा हूँ मैं। यासिर भाई बताए ना अभी क्या हल, क्या इसका यार? भाई फिलहाल मुझसे चिट चैट करो, हल निकालते हैं कोई। आप शो देंगे? मैं शो नहीं दूंगा, मैं आपके साथ मैं बात करूं, कुछ शो निकला है कोई हमारा, निदा गुजरेगी ना,
कि जाना यहीं से उसको। आपको भी पता है कि आपको भी पता है कि व्यूज निदा की वजह से ही आते हैं। देखो ना किसके तुम्हारे शो के मेरे शो के हर शो के ये पता आपको बात। नहीं वो बस देखो डायरेक्टर भी हूँ मैं। हाँ। तो मैं गाइड करता हूँ किस तरह। इसलिए तो आया हूँ गाइडेंस के लिए यार। डायरेक्टर आप, प्रोड्यूसर आप, ड्रामे आपने बनाए, फिल्में आपने बनाई, घर में इतनी बड़ी होस्ट एक आपके रहनी है। तो भाई मैंने कब मना किया? और हमसाए हमसाए तो आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा और कौन बताएगा? तो भाई मैंने कब मना किया? एक काम करते हैं, मुझे एक आइडिया आ रहा है। मैं ना जो अपने शो में, क्योंकि कैमरा भी ले आया हूँ कैमरा भी ले आया हूँ और ये देखे माइक भी साथ में लेके आया हूँ, हेडफोन ये तो मैं पहन के घूमूंगा हर जगह। अब जब जाऊँ, जहाँ जाऊंगा ना, तुम्हारे माइक की वजह से मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। आपको भी मैं लगा देता हूँ। देखे आ गया माइक आपका, अब आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होगी। हो रही है। तो एक काम करते हैं, जो जो सेगमेंट मैं करता हूँ अपने शो में यूजली, और कोई एक अद नया सेगमेंट डाल के आपको करके दिखाता हूँ, है? आप मुझे गाइड करते जाइएगा यार कि ये तुम्हारा सही नहीं है, ये सवाल सही नहीं है, इस सवाल को दूसरी तरह से पूछो। और कोई आप खुद ही से बीच में ना कंट्रोवर्सी दे दिएगा, क्योंकि चलना तो है नहीं शो कहीं पे। कंट्रोवर्सी यार मैं बड़ा स्वभाव में, और तुम्हारे शो में लास्ट टाइम मेरे साथ बंड हुआ था, पता है क्या हुआ था? बस वो तुमने बस छोड़ दो मुझे याद आ गया वो भंड में याद कर, मुझे याद करा उसकी के। जो फिल्म देखी है कर्मा, उसमें थप्पड़ की गूंज एक लाइन याद है? उस जुमले की गूंज जो है ना मुझे आज तक सुनाई दे रही है अभी तक। नुकसान हुआ उसके बाद? नुकसान मेरा दिल चाह रहा तो मैं बाहर निकाल दूंगा पड़ोसी ना होते ना, लेकिन चलो खैर है। चलो यही है बस, नाम के पड़ोसी हूँ जैसे मैंने कहा। कुछ आज क्या खिलाएंगे तुम? अभी पका गया यहाँ तुमने कैमरा, तुमने यहाँ कैमरा पकड़ा को हाथ में कोई मिठाई पकड़ लेते साथ में। मैं मिठाई, ये मिठाई का मौका है? नहीं मैं कह रहा हूँ मेरा शो बंद होने जा रहा है, आप कह रहे मिठाई पकड़ भाई तुम पड़ोसी के पास। कैमरा तो लेके आया हूँ कि इस कैमरे से अब मैं खुद शूट किया करूंगा। नहीं यार ये कैमरा पकड़ के जाऊंगा हर जगह। कैमरा लिया महंगा मोबाइल ले लेते, उसके कैमरा अच्छे हैं आजकल है? जो तुमने कैमरा उठाया हुआ ना, जो ये नहीं अच्छा कैमरा? नहीं नहीं सीरियस, ये तो यानी कि कैमरा भी सस्ते वाले यूज कर रहे थे ये लोग मेरे शो के। देखो यार यार आज मैं सारे भांडे फोड़ दूंगा। आपने भांडे? अच्छा नहीं तो अब क्या करें फिर? खाने में क्या, डिनर में क्या बनाया आपने? मुझे सीरियसली नहीं पता, मैं डाइट पर हूँ आजकल, तो मेरा अलग से आता है खाना, ये बनता है खाना। हाँ पूछ लेते हैं क्या बनाया, पता ही नहीं आपको घर पे क्या? मुझे बाखुदा नहीं पता क्या पकाया। ये ना खिलाने वाली बात है। नहीं जो बना, मैं कह रहा हूँ जो बना हो खा लेना, तुम पूछ रहे बना क्या है वो नहीं पता मुझे। क्यों नहीं पता आपको यार? ओ भाई मेरा डाइट का खाना अलग होता है, मुझसे एक दिन पहले पूछा जाता है। डाइट असर कर रही है डाइट? सीरियसली यार बड़े अफसोस कर कर मैं पूछ रहा हूं। अब मैं जो एक्सप्रेस नहीं किया मैं भी कर सकता हूं। आप निकालेंगे मुझे? बेघर करेंगे मुझे? जब एक्सप्रेस निकाल सकता मैं नहीं, और मुझे मेरे आप मेरी मेहनत को तुम पानी फेर रहे हो। आपके और एक्सप्रेस में कोई फर्क नहीं है निकी, पल में पराया कर दिया आपने। मैं बड़ा आदमी हूं, पल में आपने भी पराया कर दिया मुझे। शो करके दिखाऊं आपको? शो करके दिखाऊं? खातिन उस रात आज हमारे साथ, देखा आपने मैंने कैसे टोन कैसे पकड़ ली मैंने, ये चेंज कर ली मैंने, है दोबारा करता हूँ। कैमरा रोल। हाँ एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, ये है द टॉक। खराब हो गई यार। अच्छा दोबारा करूँ? क्या हो गया? वो एक्साइटमेंट में ना, दोबारा। कैमरा रोल। हाँ वहाँ देखे ना। हाँ एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन चौधरी, आप देख रहे हैं द टॉक टॉक शो, और आज की ये स्पेशल एपिसोड एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ, ये है ख्वातीन हज़रात, मुल्क के मायानाज डायरेक्टर, मुल्क के मायानाज एक्टर, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे पड़ोसी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर मिस्टर यासिन नवाज। कट कर यार, देखो मेरे बारे में जब बोल रहा हूँ ना। हाँ तो बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा होना चाहिए। और क्या बोलूँ इसके बारे में यार? बोलो, ये इंसान भी कमाल हैं, और इनके अंदर एक फरिश्ता समाया हुआ है, जो तारीफ कर सकते हो ना, तो तुम्हारा शो है। और गुड लुकिंग भी है। गुड लुकिंग तो बोला नहीं, फिट तो है ही है। फिट तो है। दोबारा करूं? एक और हो जाए पूरा इंट्रो, दोबारा करूं? चलो सिर्फ मेरा वो एडिट पे लगा। आया एडिट पे यार। ख्वातीन हज़रात, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इनकी हुस्न की मैं क्या ही तारीफ करूं। ऐसा लगता है कि अल्लाह मियां ने जब इनको बनाया उसके बाद वो मट्टी स्टॉक कर दी, ताकि उस मिट्टी से कोई दूसरा ना बने ही ना कुछ। इनकी फिटनेस के क्या कहने। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का फोन आया कैलिफोर्निया से, उस दिन वो पूछ रहा था यार कि आप लोगों का एक लड़का है यासिर, उसकी फिटनेस का क्या राज है मुझे बताओ, मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ पे कैलिफोर्निया में यासिर के नाम से एक जिम की लाइन पूरी शुरू करें, एक नई फ्रेंचाइज शुरू करेंगे, जहाँ पे लोग आके यासिर को उस और उस
जिम में यासिर भाई सब तो रुलाएगा क्या उस, यार उस जिम में बस कर दे भाई जिम में आपकी मूर्तियां लगी हुई होंगी यार सीरियसली मूर्तियां लगी होंगी दीवारों पे आपके पोस्टर लगे हुए होंगे और जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हैं ना वो स्माइल करके गवर्नर तो मैं यहां का गवर्नर बन आप कराची के मेयर बन जाएंगे और इवेंचुअली कराची की सड़कें जो खुदी हुई सड़कें हैं वो सेट हो जाएंगी सब तब्दीली जो आ नहीं पा रही वो आ जाएगा पीछे खड़ी है यूं करना आपने वो जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हैं सेल्फियां क्योंकि आवाम तो नहीं है व्हाट्सएप पे तो आप जो व्हाट्सएप पे वो आपके एक बड़ा खूबसूरत स्माइल करके पोज होता है वो करके जरा दिखाए ना क्या यार ये आपने कैसे पोज निकाला ये इस पोज तक मुझे मुझे लगता है मेरा इस ये एंगल जो है ना हाँ मुझे लगता है मुझे अच्छा आता है हाँ। तो आज पूरा इंटरव्यू 2 घंटे का वैसे ही करेंगे तुम सवाल करते रहो मैं ऐसे बैठा रहूंगा आज ठीक है अच्छा और ये आपकी ये सेल्फी खींचते हैं खुद ने कैमरा प्लेस करते हैं या क्या निदा खींचती है क्या क्या होता कैसे नहीं नहीं मेरे घर में जितने मुलाजिम है ना सबको पता सब फनकार है वो कोई डीओपी है कोई अपना ऑडियो वाला भी वही है मैंने सबको सिखा दिया है मेरे पास जितने मुलाजमीन है ना वो समझो वो पूरा एक सीरियल सोप शूट कर सकते हैं अच्छा यासिर भाई अब क्योंकि हम इंटरव्यू जोन में चले गए हैं आप मेरी ट्रेनिंग देखें आप मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जो लोग आजकल के बच्चों से पूछते हैं जब वो एक्टर बनते हैं मैं भी आजकल का ही बच्चा हूँ आप हैं आज थोड़े से आप बचपन से जवानी की तरफ देखें देखो मैं जब तक हाँ अब जब तुमने हुसन की बात की है मेरी हाँ अच्छा आपने इसको प्लास्टिक की उसमें भी रखा हुआ है पता नहीं कहाँ दो थैलियों में रखा हुआ है इसके आपके घर में क्या दो थैलियां क्यों यासिर भाई इसकी क्या वजह हो सकती है एक थैली तो ठीक है ये मुझे लगता है कि आप और करण जोहर सेम टाइम पे गए थे एक दुकान में तुम मेरे रिकॉर्ड लगा रहे हो मैं देखो मैं निकाल नहीं सकता हूं घर से अरे यार मैं पूछ रहा हूं ना सीख रहा हूं ना सवाल मैं पूछ रहा हूं आज आज के दौर में बात होती है नेपोटिज्म की भाई के अगर किसी एक्टर का बाप एक्टर है तो वो आगे उसके लिए तो बड़ा आसान होता है आपके वाल साहब मरहूम फरीद नवाज बलोच साहब लेजेंडरी एक्टर वेटरन एक्टर हमारे आपके लिए उस दौर में आसान था इस फील्ड में आना मुश्किल था क्या स्ट्रगल थी वो बताएं लोगों को बताइए कभी आपने देखें कैसा सवाल लेके यार कसम से ऐसा सवाल है जो मैं रोंगटे खड़े हो रोंगटे भी खड़े हो आत्मकामना भी शुरू हो गया हाँ देखो पहली बात तो ये कि हमारी फील्ड अब सीरियस जवाब दे दूं हाँ सीरियस पहली बात तो ये हमारी फील्ड ऐसी खौफनाक फील्ड है कि आप में टैलेंट है अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप जगह बना सकते हैं मैं कहता हूँ आप दूर छोड़ दें मैं हसन की बात करता हूँ ठीक है कोई है जानने वाला हमारा कोई पीछे एक बैकग्राउंड कोई है एक मोबाइल से एक यूट्यूब से स्टार्ट किया और माशाल्लाह आज नंबर वन शो कर रहे हो तो ये तो भी पहली सीढ़ी मैं कहूँगा लेकिन जगह बनी ना बिल्कुल आगे इंशाल्लाह और आगे जगह बननी है इंशाल्लाह अब जैसे मेरा छोटा भाई है मुसीब जो भाई फराज डॉक्टर फराज उसके दो तीन बच्चे हैं उसके तो उनमें से दो बच्चे मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो वो जो हमारी भाभी हैं वो भी डॉक्टर हैं वो भाई डॉक्टर है उसके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है कि आपको अपना जौहर दिखाना है अपना टैलेंट दिखाना है तो ही आप जगह बना सकते हैं ना आपकी फील्ड में एक ये बात है कि यार वो पहला दरवाजा आसानी से खुल जाता है बस ये डॉक्टर को पहली वो एग्जाम तो नहीं पास करा सकता ना लेकिन अब जब हम आए थे ना उस वक्त पहला दरवाजा खोलना मुश्किल होता था क्योंकि पीडीबी था पीडीबी में अंदर पीडीबी स्टेशन के अंदर आना एक बड़ा टास्क होता था डिस्पाइट द फैक्ट कि आप फरीद नवाज बलोच के बेटे थे अब तो खैर नहीं वो मैं वही कह रहा हूँ ना अब अगर आप नहीं है फरीद नवाज के बेटे या किसी मीडिया पर्सन के बेटे नहीं है वो मुश्किल होता था कि हमारे लिए वो पहला दरवाज़ा आसान था अब जो है अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज हैं चैनल्स हैं तो आप जाते हैं ऑडिशन देते हैं प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं और आपको काम मिल जाता है इतना मुश्किल नहीं है मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है आपने स्ट्रगल देखी है बहुत हाँ क्यों नहीं देखी है मैंने बताया मैंने तीन लास्ट किसी के इंटरव्यू में बताया था तीन डायरेक्टर से मुझे रिजेक्ट किया था और अब्बू के दोस्त भी थे वो और उन तीनों में से तीन डायरेक्टर्स कौन थे एक हैदर इमाम साहब थे उन्होंने रिजेक्ट किया एक ताहिर साहब थे उन्होंने रिजेक्ट किया और एक आजम पाशा साहब थे उन्होंने रिजेक्ट किया फादर इन लॉ ने भी रिजेक्ट किया हाँ और मैं जब जाते हुए मैंने घूम के देखा मैं बच्चे तो काजम साहब ने रिजेक्ट किया नहीं तो ऐसी क्या आप में खामियां थी यार कि तीनों बड़े डायरेक्टर ने आपको रिजेक्ट कर दिया यार मैं जब नया नया आया था ना तो मुझे एक्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता था क्योंकि घर फैमिली अब्बू दोस्त यार घर आते थे स्क्रिप्ट घर आता था मेरा पहला काम क्या होता जब अब्बू को सीरियल कर रहे होते थे ना तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था तो हारून रिंद साहब थे अब्बू के दोस्त भी थे और फारूक रिंद के चाचा अच्छा अच्छा वो मेरी अम्मी को बहन बनाया हुआ था तो अक्सर हमारे घर आते थे और हम तो स्क्रिप्ट लेके आते मैं कोने में आगे पहले उठाता स्क्रिप्ट कोने में आगे मैं स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देता
पहले आदमी वो थे जिन्होंने अब्बू को बोला यार ये जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है ना और जिसका इसका इंटरेस्ट है ये जाएगा इसमें फील्ड। अच्छा अब्बू ने नहीं कहा जाए उस समय पीटीवी एक्टर चाहते ही नहीं थे कि मेरे बच्चे टीवी में आए क्योंकि पैसे नहीं मिलते थे। उल्टा था उस वक्त, उस वक्त उल्टा था। तो बोला नहीं नहीं ऐसी इसको शौक पढ़ने का। बोला नहीं 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 ये जिस तरह पढ़ रहा है और जिस तरह भागा है स्क्रिप्ट लेके इसका इंटरेस्ट है इसमें। ये पहले अरुण साहब थे तो उन्होंने मुझे खैर तो बात क्या कर रहा था। तो ये आपके लिए स्ट्रगल थी या स्ट्रगल? तो मैं अच्छा मैं मुझे एक्टिंग के बारे में पता था मुझे रिजेक्ट हुए थे ना आप। लेकिन जब मैं कैमरा खुलता था ना तो मेरी हार्ट बीट नर्वसनेस ठीक ठाक वाली। और हमारी फील्ड में नर्वसनेस आपकी जो अंदर हो रही है ना वो चेहरे पे आ जाती है। आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरे पे तो नहीं आ रही चेहरे पे भी। नहीं नहीं नर्वसनेस दूर कुछ और आ रही है बस बोलना नहीं चाह रहा लाइव आपको देख के आनी है वो। नहीं नहीं उदासी आ रही है, गम आ रहा है, रंज आ रहा है। मैं नहीं चाह रहा कि तुम और दुखी हो, मैं चाह रहा शो। नहीं नहीं आपने मेरा मूड बेहतर कर दिया है ना, ये हमारा फ्लो में जा रहा है। अगर ये असल में लोग देख रहे होते बोलते यार ये अच्छा इनका मजे का मजे का है ना। तो कितने आए थे व्यूज निदा के शो में? 10 मिलियन से ज्यादा। इसमें कम से कम 15 मिलियन आने चाहिए। निदा की शक्ल दिखानी पड़ेगी हमें एक बार बीच में। निदा से गुजरेगी तो पकड़ लेंगे। हाँ पकड़ लेंगे उनको भी एक सेकंड। मैं तो बता रहा हूँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अभी कब से किससे बातें कर रहा हूँ? आपसे सीख रहा हूँ ना, इसीलिए तो स्ट्रगल आपकी पूछ रहा हूँ यार, ताकि मुझे हौसला हो। ये स्ट्रगल बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं। तो खैर मैंने ये 3 रिजेक्ट हुए मेरे। हाँ। अच्छा उस जमाने मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, हिमायूं भी स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि हिमायूं से हमारी पीडीयू अक्सर मेरी मुलाकात होती अच्छा। थी हिमायूं से। हम कभी वो किसी डायरेक्टर पास गया हुआ कि मैं यार वो बताए ना वो तो, ये जो अब आप क्या एक मतलब आप गैंग ऑफ आप जो बॉयज हैं अब जो माशाल्लाह सारे बड़े नाम बन गए इंडस्ट्री के नहीं, उस टाइम पे आप लोगों की आपस में थी क्या स्ट्रगल साथ में? भाई किसी को पता चलता था ना फलां डायरेक्टर ड्रामा डिस्ट्रीब्यूट होता था 4-5 सेंटर में। तो अब किसी डायरेक्टर जिनको नहीं पता उनको बता दें सेंटर होता सेंटर अलग होता था, लाहौर सेंटर अलग और खाली पीटीवी और सिर्फ पीटीवी होता था। तो अब जैसे काजम बादशाह साहब को ड्रामा मिल गया कोई तो अब पूरे पीटी में बात फैली काजुम साहब कर रहे हैं अगला क्वार्टर, काजुम साहब कास्टिंग कर रहे हैं, काजुम साहब स्क्रिप्ट कर रहे हैं। तो अब हम गलती से चले जाएंगे टक 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 सर वो सॉरी सॉरी मैं पूछना नहीं आनी है सॉरी सर सर दिखाने के लिए कि सर कास्टिंग कर रहे हैं तो हम बैठे हुए हैं फिर कहीं बाहर लाउंज में सोफे लगे होते थे जमाने में ना आपको खरी है सोफे तो हम लाउंज बैठे हुए गपशप लगा रहे हैं कोई डायरेक्टर आया सर कैसे हैं आप खैरियत से हैं आप असला शक्ल दिखा दो ताकि कास्टिंग के लिए आपको काम आए। तो ये इस तरह की स्ट्रगल होती थी हमारी कि हम बस अपने आप को सामने लाते थे। अच्छा पीटीवी का जो डायरेक्टर होता था ना उसकी ट्रेनिंग कमाल होती थी। मैं वो जो एक्टर को समझा रहा वो आज भी जितने पुराने एक्टर हैं जो पीटीवी वाले तो वो मंझे हुए एक्टर हैं। अच्छा हमारा जो लकीली हमने शायद कोई नेकी की थी जो हमारे लॉट के जितने एक्टर हैं उस ज़माने में प्राइवेट चैनल आना शुरू हो गए थे और पीटीवी भी साथ साथ चल रहा था प्राइवेट पीटीवी प्राइवेट हमारे सामने ही सारी ARY जियो हम एक्सप्रेस टीवी ये सब बाद में आए ना ये तो हमारे होते हुए ये चैनल आना शुरू हो गए थे। तो मैंने पहला प्ले पहला हिमायूं ने एक प्ले किया था मेहरीन जब्बार का इसका नाम था अब तुम जा सकते हो सानिया सईद खालदा रियासत और हिमायूं। उससे हिमायूं को काफ़ी एक नज़र आया कि हिमायूं अच्छा एक्टर है और एक हीरो मटीरियल एक्टर आया। आपको पहला कब वो मुझे मेहरीन का दूसरा प्ले मेहरीन का आप जो डायरेक्ट किया वो पुतली घर था एक जिसमें सानिया सईद मैं साजिद हसन और नादिया पड़ोसी होते हैं बड़ा हिट हुआ था जमाने में। तो इस तरह वो स्ट्रगल करते रहे फिर हम मेहरीन वाली टीम में आ गए फिर मेहरीन और मैं हिमायूं हिमायूं कभी बड़ा भाई बना हुआ है कभी मैं छोटा भाई बना हुआ हूँ कभी वो दोस्त बना हुआ है हमने साथ काम बहुत किया सानिया सईद नादिया जमील। तो मामला फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर चलना शुरू हुआ पीछे प्राइवेट चैनल आना शुरू हो गए तो फिर हम स्ट्रगल फिर मैं चला गया डायरेक्शन साइड पर हिमायूं प्रोडक्शन साइड पर आ गया। तो ये खैर तो यासिर भाई ये जो ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री की जो आपने तो प्राइवेट चैनल आपके सामने आए हैं सारे इस स्टेज पे आजकल के दौर में जब आप देखते हैं ड्रामे बनते हुए कंटेंट बनते हुए आपका क्या नज़रिया है? अच्छा कंटेंट बन रहा है जहाँ से शुरू हुए थे बेहतर बन रहा है या बहुत गुंजाइश है क्या सीन है? नहीं नहीं अब बहुत बेहतर हुआ है क्योंकि पहले जब सब तो बात करते हैं वो पीटीवी के दौर के दौर अच्छा था फिर प्राइवेट दौर आया तो प्राइवेट दौर में बहुत सारे डायरेक्टर्स आ गए अच्छा बहुत सारे अनाड़ी डायरेक्टर भी आए कितने ड्रामे डब्बों में गए कितने ड्रामे ऐसे हैं जो मैंने किए हैं और वो ऑनरी भी नहीं कभी तक किसी को पार्टी किसी असिस्टेंट ने या कोई प्रोडक्शन का बंदा होगा कोई स्पॉट बॉय होगा उसने घेरा किसी पैसे वाले को सर मैं ड्रामा बना के दूंगा अच्छा तो ड्रामा बना एक्टर को पैसे मिल रहे हैं अच्छा कोई चैनलाइज नहीं हुआ हुआ था कि स्ट्रक्चर नहीं था स्ट्रक्चर नहीं था ये लोगों को लेके आते बनाते कुछ चलते कुछ डब्बों में जाते
कि करते 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 अब जो जहाँ पहुँचे हम लोग, तो मैं कहता हूँ कि ये अभी इस वक्त ड्रामे का बेस्ट टाइम है, क्योंकि चैनल भी सीरियस हो गया है, क्योंकि हमारा ड्रामा अब सिर्फ पाकिस्तान में देखा नहीं जाता, अब पूरी दुनिया में देखा जाता है। दुनिया में बहुत, मैं अभी लास्ट गया हुआ था दोहा एयरपोर्ट पर, मुझे खातून लड़की मिली आके, उस मुझे उससे कोई ड्रामा देखा था मेरा दिल मोह कर दिया, उसको यकीन नहीं आ रहा मैं मिल रही हूँ आपसे, तस्वीरें खिंचवा रही है, बड़ी एक्साइटेड हुई थी। तो मैं कहा आप कहाँ कराची से हैं? नहीं 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 मैं भोपाल से हूँ, मैं इंडिया से हूँ। मैं अच्छा भोपाल इंडिया, हाँ हाँ, तो बड़ा शौक से ड्रामा देखते हैं आपका हम लोग, और हम पाकिस्तानी ड्रामे तो पागल हैं, फैन हैं। तो हमारा ड्रामा अब देखा जाता है पूरी दुनिया में, तो चैनल भी सीरियस हुआ हुआ है, कॉन्टेंट टीम है, प्रोडक्शन हाउस है, उसकी अलग टीम है, तो कास्टिंग की पहले ही था, डायरेक्टर सब भाग दौड़ कर रहा होता था, कास्ट भी करनी है, लोकेशन भी उसे करनी है, अब एक पूरा एक सिस्टम बन गया है, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर हुआ ड्रामा। यासिर भाई, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि खुद आप डायरेक्शन की तरफ चले गए, और मेरी बीच में आपसे बात हुई भी थी, आपने कहा यार मैं अब सिर्फ डायरेक्टर हूँ, मैं एक्ट नहीं करूँगा, तो आजकल क्या चल रहा है जहन में? फिर से नदानियाँ आपने यूट्यूब पे शुरू किया, बड़े मेरे अपने कज़न जो हैं बड़े शौक से देख रहे थे, वो आए हुए थे अभी जेलम से, तो मैंने आपको, आप बिज़ी थे, तो उनको बड़ा शौक था कि वो मिलें आपसे, और मैं उनको बताया मेरे घर के बाहर से गुजार के मैं लेके, मैंने कहा यहाँ पे वो शूट हो, तो इतने मैं तो तुम टिकट भी लगाई हो तुमने यार, तीन तीन सेलिब्रिटियाँ रहते हैं, हाँ। दानिश भी आता है फला फला दिन, हाँ। तो एक एक्टर से मिलने के इतने आउट करे ना, तो तुमने टिकट लगा दिया? मैं लगाई हुई है, पता चल गया, मैं आता हूँ, वो जैसे हॉलीवुड में नहीं होता टूर बस लेके जाती है, ये उसका घर है, ये उसका घर है, मैं अपनी गाड़ी में लोगों को घुमाता हूँ, अब 200 रुपए वहां से भी निकला करेंगे। और भी कोई है खास यहाँ पे? कोई और नहीं है? नहीं, वो है ना उनको बुला लें, डॉक्टर बिल्किस वो पीछे रहती हैं, डॉक्टर बिल्किस वो पीछे रहती हैं, उनको बुला लें जो बड़े लोग हैं यार। आप ईद मिलन पार्टी करनी चाहिए आपको वैसे, हाँ इन सबको बुला, मीडिया के लोगों को बुलाएं, आपको करनी चाहिए, सही है, करता हूं, वक्त आ गया यासिर भाई, बस तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें सिर्फ आना है, मैं तो छो के लाले पड़े हुए यहाँ पे यार। अच्छा एनीवे, मैं आपसे पूछ रहा था, वो फिर से नदानियाँ आपने शुरू किया, कैसा जा रहा है वो रोक दिया फिर आपने बीच में? भाई मसला ये था कि मुझे शौक उठा के मैं एक यूट्यूब पेज बनाऊँ, हाँ। तो मैंने पेज बनाया व्लॉग श्लॉग, ये पहले आपने कहा मैं ड्रामा लगाऊंगा, फिर आपने कहा ये तो बहुत मेहनत है, इससे अच्छा व्लॉग करके मोबाइल करके नहीं, 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 उसी डॉलर आ रहे हैं, नहीं 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 उससे नहीं यार डॉलर आया, मैं बस छोड़ दो यार, तो वो मेरा था शुरू से मूड था 8-10 एपिसोड करूँगा और देखता हूँ फीडबैक क्या आता है, क्यों मैं दानिश निदा हम अब उस स्टेज से निकल गए हम लोग, हाँ। और एक चीज़ अच्छी बन गई है, उसको दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल काम है, हाँ। तो मैं इससे मुझे बहुत चैनल्स ने ऑफर की थी कि नादानी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो मुझसे लगता नहीं होगा स्टार्ट, तो मैं वो लंबी कमिटमेंट में फंसना नहीं चाहता था, हाँ। उस लंबी कमिटमेंट में, लेकिन अब मैं कहा ये तो अपना ही है ना, तो 8-10 बना के देखते हैं, तो मुझे लगा नहीं यार ये बड़ा मुश्किल है, मैंने एक सीरियल बनाया इसके लिए यूट्यूब के लिए, मैं यही पूछने वाला था, वो आपने कहा था ईद पे आएगा, वो रमजान में आना था, वो कम्प्लीट नहीं हो पाया, फिर सही मैं मार्केट नहीं कर पाया, मैं यार पहली मरतबा कुछ चीज़ लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे, तो प्रॉपर तरीके से लेकर आऊँ, वो 4K पे शूट हुआ हुआ है, प्रॉपर ड्रामा है, अच्छा, और उसमें ये कि 80-90% बल्कि 100% कहूँगा नई कास्ट है, और अच्छा। कोई थिएटर के हैं कि उन्होंने कमर्शियल किए हुए हैं, नहीं मैं नहीं हूँ ना, मैं हूँ ना निदा है, सब नए हैं उसमें, तो मैं चलो अपने चैनल है ना तो करके देखते हैं, तो उसको सही मार्केट करके लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। अब एक सीरियल कर रहा हूँ यार आएगा सिक्स सिग्मा का, अच्छा, वो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, जो आपके स्ट्रगल के दोस्त हुमायूं सईद के प्रोडक्शन है उसके साथ, हाँ स्ट्रगल तो सब नहीं किए मैं क्या, हाँ। अदनान अपना एजाज फैसल ये वो सब वही टाइम, तो इसमें कैसा रोल है आपका? नहीं इसमें एक्टिंग नहीं कर रहा मैं, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहे हैं ये, सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब जो अगला सीरियल करना है वो आई ड्रीम का है वो करूँगा, क्यों मैं कोशिश करता हूँ एक्टिंग गर्मी में ना करूँ अपने मसले यार ये क्या बात है यार, ये इतना अमीर होना है भाई कि अपनी मर्जी से काम, जब यहाँ से टूर टूर बस जाती है, हाँ। तो बताओगे कि यार ये वो एक्टर हैं जो सिर्फ सर्दियों में काम करते हैं, हाँ। मैं ठंड में गाड़ियों का भी बताऊंगा ये गाड़ी ये वाली है, हाँ सही है, और मैं गलती से बाहर भी आ जाऊंगा, हाँ। शाहरुख खान की तरह गलती से, हाँ, टेरेस पे आ गया, टेरेस पे आ गए हाथ ला के बंदे इकट्ठे हुए, ओहो क्या यार सीन होगा वो, क्या तो वो सीरियल अगला सीरियल जो कर रहा हूँ उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ, उसमें कर रहे हैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ एक्टिंग, फिल्मों का बताएं, फिल्में आपने इतनी बनाई, आखिरी चक्कर थी, चक्कर के बाद क्या सीन हुआ? चक्कर आ गए उसके, चक्कर क्यों? चक्कर आ गए, नहीं मेरे पांव भारी हो गए और उल्टियां भी हुई, उल्टियां भी हुई मुझे, मेरी कैरियां खाने का दिल भी चाह, ऐसे चक्कर आए मुझे, तो 9 महीने के बाद फिर कुछ आमद हुई, फिर नहीं नहीं मिसकैरेज हो गए भाई, हमने एक फिल्म सिलसिला शुरू किया था
वो ये लंबी कहानी है, कोई नहीं बताएं, दास्तान है बताएं आपकी भी, मैं तो सुनूंगा ना, मैं भी आप मेरी दुख भरी दास्तान सुनने में आपकी सुन लेता हूँ। उसमें ये कि भाई मैं, अदनान सिद्दीकी और वजाहत, हम तीनों ने एक फिल्म बनाई थी। उस ज़माने में डॉक्टर स्ट्रेंज आ गई, हम रिक्वेस्ट करते रह गए भाई 2 साल से हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, अब फिल्म बनाना एक मुश्किल काम है। सिनेमा हाँ हाँ ओके ओके, गवर्नमेंट तक हमने बात की, एक हफ्ता फिल्म को आगे कर दें, लोकल फिल्म्स को लोकल थोड़ा सपोर्ट करें, उनको ज़्यादा स्क्रीन्स दे दें। लेकिन वो हाँ हाँ करते रहे, और ईद थी समझो, फ्राइडे को ईद थी, 2 दिन बाद नहीं वेनेसडे को ईद थी, और जुम्मे को उन्होंने ये लगा दी सेकेंड डे डॉक्टर स्ट्रेंज, और जो हमारे 15-15 शो 20-20 शो थे ठक से एक एक दो दो कर दिए, तो हम बर्बाद हो गए। तो बर्बाद कर, माफ़ करे, अल्लाह ना करे ऐसी भी बात हो, लेकिन ये लॉस उठाया हमने और पूरे सिनेमा ने लॉस उठाया। ये इनको अंदाज़ा नहीं है सिनेमास को कि ये इन्होंने अपने पाँव पर गुलाड़ी मारी है। अब आप मुझे बताएं ना, ये बकरीद के बाद जो 2-3 फिल्में रह गई हैं, इसके बाद मुझे आप बताएं कौन सी मूवी कोई सेट पर गई है, कोई ऐसी फिल्म है जो आप कहेंगे या सेट पर गई है? मैं छोड़ दो या दान छोड़ दें या वजह छोड़ दें, आपका नबील कुरैशी, फिजा, हुमायूं सईद, इन्होंने कोई सेट पर कोई फिल्म गई है इनकी? ये तो 4-5 फिल्म बना चुके हैं ना। तो आपने अपने माँ पे कुल्हाड़ी मार दी, आपने ये नहीं सोचा कि लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। पहले आपने इंडियन फिल्म के आश्रय में हमारा बेड़ा गर्क किया, जब इंडियन फिल्म बंद हुई तो ये किसने किया बेड़ा गर्क? एग्जीबिटर ने किया, ऐसी बात और कौन करेगा? ये नहीं समझ में आया इनको कि ये पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें हमें। और सिंपल सी बात है, सुन, एक फिल्म के पीछे कितने लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है यार। सिर्फ मैं अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ तो मेरे पीछे इंडस्ट्री है ना, हम तो ये कहते हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है। तो हम कितने रिस्क पे फिल्म बनाते हैं ये बात मीडिया का बंदा भी जानता है और इस एग्जीबिटर भी जानता है कि एक फिल्म बनने में कितना पैसा लगता है और कितना रिटर्न मिलता है इसको और कब मिलता है। फिल्म हिट होगी तो रिटर्न मिलेगा। तो हम तो शौक के लिए बना रहे थे ना, आपने हमारा शौक ही मार, पैसे के लिए, पैसा उत्तम होता है जो फिल्म हिट होगी। हमें पता है ये रिस्क है, ड्रामे में तो कोई रिस्क ही नहीं है। हमने पहले से ड्रामा सेल किया हुआ है, कास्ट ये है, डायरेक्टर ये है, चैनल ये है, इतने पैसे मिलेंगे, इतने दिनों बाद मिलेंगे, कोई रिस्क ही नहीं है उसमें। फिल्म तो ये कि आप बनाई, रिलीज हुई, तो अब क्या फिर आगे? अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है फिल्म की तरफ जाने का? मेरा क्या, मैं कहता हूँ अभी किसी भी प्रोड्यूसर का फिलहाल नजर नहीं आ रहा मुझे प्लान। इकॉनमी की सिचुएशन भी ऐसी ना? नहीं, इकॉनमी की सिचुएशन वाली बात नहीं, ड्रामे भी तो बन रहा है ना, या तो ड्रामा ना बन रहा है। सिनेमा में जाना, टिकट खर्च करना, पॉपकॉर्न खरीदना, या पूरी दुनिया में ये होता है कि आपके शोज के टाइमिंग होते हैं यार, कि आप सुबह 10 बजे आ रहे हैं तो टिकट इतने का है, दोपहर में आ रहे हैं तो टिकट इतने का है, प्राइम टाइम पे आ रहे हैं तो टिकट इतने का है, महंगा है। यहाँ तो आप सुबह 10 बजे जाओगे तब भी आपको 1200 का टिकट मिलेगा, शाम में जाओगे तब भी 1200 मिलेगा, रात में जाओगे तब भी 1200 मिल रहा है। तो कहाँ है सिनेमा? ये तो वो होता है ना जो सपोर्ट करे सिनेमा इंडस्ट्री को। आप तो सपोर्ट कर रहे हैं अपने कारोबार को, आपने कहाँ ख्याल किया सिनेमा का या आवाम का? आपने तो गरीब से फिल्म छीन ली है। जब कैपरी सिनेमा होता था वहाँ नीचे 100-150 के टिकट होते थे, ऊपर 200 गैलरी और ये सब, लेकिन ये तो आप चाह ही नहीं रहे कि सिनेमा लोग आए। आप हर तबके को फैसिलिटेट करने के लिए आप नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना आप। फिर दूसरा, बाहर जैसे मेरे बाहर 50% डिस्काउंट होता है स्टूडेंट पे, बिल्कुल होता है कि आप बिल्कुल, मैं यूके में था, मैं स्टूडेंट डिस्काउंट मुझे मिलता था, बिल्कुल मिलता। और जो मुझे अभी एक बात पता चली है कि वो टिकट आपको मिल गया, अगर आप फलां शो में नहीं आ सकते, आप सेकंड डे आ सकते हैं, जहाँ आपको टिकट मिल शो मिल रहा है कि भाई शो में जगह है, स्पेस है, आप बैठ जाएं, आपके लिए हफ्ते बाद आ जाएं, 4 दिन बाद आ जाएं, बिल्कुल। इसका मतलब वो सिनेमा को सपोर्ट करते हैं ना कि ये निकले आए बाहर फिल्म देखें, सिनेमा को भी सपोर्ट करते हैं और ऑडियंस को भी सपोर्ट करते हैं। वो ऑडियंस सपोर्ट करते हैं तो आते हैं ना लोग। यहाँ मुझे बताएं कौन सा ऑडियंस सपोर्ट किया जा रहा है? आपने तो अपने पाँव से खुद, अपने हाथों से खुद कुल्हाड़ी मारी अपने पाँव पे। आज भी मुझे भूखा भेजेंगे, मुझे यकीन है। इकबाला, इकबाला, इकबाला हमारा फेमस कैरेक्टर, हमारा आर्टिस्ट जो है ना, ये इकबाला मेड हमारे 14-15 साल। अच्छा इकबाला, क्या बना आज खाने में? 2 रोटियां लगा दें प्लीज इकबाला। कुछ नहीं यार यासिर भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। इकबाला, इकबाला कहाँ है आप? इधर आए इकबाला, खाने में क्या बना आज? टींडे तो नहीं बनाए गई? कुछ बने ना बने, ये मुझे पकाया यकीन है कि चिकन बनी होगी, क्योंकि मेरी इकबाला से लड़ाई होती है कि रोज चिकन क्यों बनाती हैं आप, जहर है चिकन। इकबाला क्या बना आज? कीमा कौन सा, चिकन का मटन का? चिकन तो जरूरी है। कीमे के कबाब और दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल बनाए साथ में। चलो कीमे मेरे लिए क्या बनाया है? आपने बना किया था इनको प्रॉन्स जी।
ये कह रहे मेरा तो खाना बाहर से आता है। नहीं बाहर से नहीं आता, कभी बनाता हूँ कभी बाहर से आता है। अभी आपने पकड़े गए प्रॉन्स, अपने लिए प्रॉन्स बनवा रहे हैं। नहीं है वो प्रॉन्स, देखो यार प्रॉन्स एक बाला, वो जो इन्होंने प्रॉन्स अपने लिए मंगवाए थे ना, बनवा ले बनाए खत्म हो गया बनाए आप दिल खोल के बनाए। नहीं नहीं खत्म नहीं हुए हैं, नहीं है ये भैर थोड़े हैं जी। इकबाला मैं आपके लिए अभी निदा जी से 14 साल कितना अरसा हो गया यहां पे जॉब किए हुए, आपको बोनस दिलाऊंगा मैं इंशाल्लाह। कितना अरसा जॉब किए हो गया इकबाला, अब आपको नौकरी मिलने वाली है, स्ट्रीट नंबर 4 पे कोने का घर है और वहीं जाके जॉब करना है इकबाला। ठीक है इकबाला प्रॉन्स बनाए। अरे वो ब्रेक वाला भी एक होता है ना, वो लेके दिखाऊं आपको। ब्रेक वो ब्रेक से वापस आने का भी होता है ना, वो भी करके दिखाऊं यार। आप मुझे बताएं ऑडिशन देने आए इंटरव्यू लेने आए? ऑडिशन ही देने आया हूं मैंने कहा कुछ शायद आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। सिग्मा का ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं ड्रामे में तुम्हें कास्ट करने की कोशिश करूंगा। चलो निदा आ रही है निदा। हां इधर। अरे अस्सलाम वालेकुम, कहां से हो, क्या हो रहा है? मुझे तो आ जाओ आप सही, प्लीज वेलकम वेलकम। तो ऑफिस से आ रही हूं, ऐसे ही अच्छा मेहमान आए हुए भाई। कैसी हैं आप, खैरियत से? हां मैं गिला कर रहा था, मैंने कहा मैं आपका अभी तो रुलाएगा नहीं था ये। क्यों क्या हुआ? तुम रोने के लिए तैयार हो जाओ, ये अपनी पूरी दुख भरी दास्तान सुनाएगा और तुम देखना कैसे रोती हो तुम। क्यों आप पे फर्क पड़ा है? थोड़ी आवाज भरी भी होनी चाहिए। आप पे फर्क पड़ा? नहीं नहीं भरी रोने वाली आवाज। आप पे फर्क पड़ा यार, मैं बहुत बुरी तरह। क्या हुआ मतलब? मैं पहला गिला, मैंने कहा पड़ोसी है, कभी मजा लो जो आपने बिरयानी बनाई हो और आपने कहा हसन आज बिरयानी बनाई। मैं नहीं बनाती बिरयानी, पास्ता बनाओ। उल्लू कभी पास्ता बनाओ, आपने बोला हसन आज पास्ता बनाया बड़ा मजे का, खुद प्राउन्स खा रहे हैं। प्राउन्स बन रहे हैं इनके लिए, जैसे हम रोज हम ये ऐसे बोल रहा है जैसे आपको बुलाऊंगी ना मैं, हसन को क्यों बुलाऊं, उसी को बुलाने चले। और हसन ऐसे बोल रहा है हम डेली नाश्ता करते हैं इसी घर पर। मैं आपकी भतीजिया, आधा दिन हमारे घर होती है और हमारी बेटी आपके। भतीजियों के चाचू को भी थोड़ा आप इनवाइट करें यार। नेता जी अच्छा बहरहाल मसला हो गया, बहुत रोज आ जाएंगे। ऐसे नहीं बोलो आज तक तो साल में एक ही बार चक्कर लगा मेरा आपका। मैं आपको यासिर भाई को बता रहा था, जैसे लोग बेघर होते हैं ना, मैं बेस सेट कर दिया हूँ। बेस सेट मेरे सेट में आई थी ना, इतना जबरदस्त हमने शो किया था। मैं सबको बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिलियन से ज्यादा हमारे व्यूज आए थे उस पर। मुझे इसने आते ही अपसेट कर दिया। मैं तो मेरा सेट उन्होंने ले लिया, मैंने बोला मैं क्या करूँ। फिर ऑब्वियसली मुझे याद है इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहते हैं पड़ोस में, उनसे मशवरा लूँ। इतनी बड़ी होस्ट रहती हैं, 14 साल से एक शो कर रही हैं। वो मैं हमारे साथ भी यही हुआ है बहुत। आपके साथ क्या हुआ है? हमारा दूसरा सेट लग रहा होता है या बीच में कोई गैप्स आते हैं तो हम भी ऐसे करते थे। कैसे? लेकिन तुम रिकॉर्ड करती थी ना कभी? नहीं मुझे तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे लाइव भी किए लाइव शो भी किए। नहीं मुझे पता क्या कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी हम शायद रिन्यू ना करें यार, अपना शो ही ना वापस आए। उसकी क्या वो क्या जुगाड़ होगी कि मैं ऐसा कुछ करूं? मैं कैमरा भी ले गया हूं साथ में, देखें माइक भी करो। ऐसा ना हसन अहमद शो कर रहा हूँ हमारी जगह पे, उनको फैल्कन का ही बंदा चाहिए। देखो एक्सप्रेस वालों भाई यासिर नवाज भी यहीं रहता है, एड्रेस भी पता है। आप सिग्मा का ड्रामा कर रहे हैं ना डायरेक्ट? हाँ। यार देखो मैं जो हूँ ना भाई, क्या हो गया? नहीं मैं एड्रेस नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बेच रहा हूँ यार। दो होस्ट आपको मना कर रहे हैं, मैं होस्टिंग के लिए बेचूं अपने आप को। दो होस्ट आपको कह रहे हैं कि आप होस्टिंग में ना, आप डायरेक्शन में और एक्टिंग में। ये आवाम फैसला करेगी कि मुझे होस्टिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये अच्छे होस्ट बन सकते हैं आपके ख्याल में? ये सिर्फ अच्छे डायरेक्टर और एक्टर बन सकते हैं होस्टिंग में ना, ये जो अंदर की बातें ये सब बाहर निकाल देंगे जो नहीं भी बता। तो अच्छे डायरेक्टर और अच्छे ये एक्टर तो बन सकते हैं, अच्छे हस्बैंड है, अच्छे हस्बैंड है ये नहीं ज्यादा अच्छे, ये एक्टर और डायरेक्टर है और थर्ड नंबर पे हस्बैंड और नहीं फादर तो सबसे ही अच्छे हैं। खैर बेटे भी सबसे अच्छे हैं क्या? उससे हस्बैंड नहीं, अच्छा जी एक सेकंड, पड़ोसी भी सबसे अच्छे हैं। मुझे भी बोल दो, पड़ोसी तो कहीं अच्छे नहीं है आप। हाँ नंबर वन पे प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ
तो एक्टर एक्टर डायरेक्टर हाँ मुझे एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छे आपको एज एक्टर लगते हैं? कमाल एज हस्बैंड नहीं एज एक्टर सबसे अच्छे। हाँ मैं हस्बैंड से ज्यादा अच्छा एक्टर हूं। यार बिल्कुल आखिरी आएगा। अच्छा इसलिए कह रहा हूं पड़ोसी भी अच्छे हैं। ठीक है उसके बाद एज ड्राइवर भी अच्छे हैं। हाँ उसके बाद नहीं फादर तो फिर मैं उससे ऊपर कहूंगी ना। फादर सबसे सबसे पहले फादर फादर फिर एक्टर डायरेक्टर सबसे आखिर में हस्बैंड सन ब्रदर सन जो है मैं हाँ सन भी अच्छे हैं लाइक पहले फादर सन सन फिर डायरेक्टर डायरेक्टर फिर ब्रदर ब्रदर फिर पड़ोसी एक्टर फिर ड्राइवर भी अच्छे गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर बहुत अच्छे हैं यार। एक बात बताएं आप क्यों आप हस्बैंड ड्राइवर अच्छे नहीं हो आप बहुत नहीं बहुत लंबे रास्ते लेके जाते हैं। नहीं नहीं ड्राइवर मैं अच्छा हूं। निदा किन किन के घर है उन रास्तों पे आपने कभी नोटिस किया? जिस रास्ते पे स्पीड ब्रेकर है वहां जाता है यहां से। निदा बैठती है ज्यादातर ड्राइवर के साथ पीछे। हाँ जब ये आगे बैठती है ना फिर इनको समझती है ड्राइवर मेरे साथ बैठा हुआ। आहिस्ता ये गाड़ी करीब से गुजरी है। मैं कहां से करीब से गुजरी है? अरे फुटपाथ फुटपाथ फुटपाथ। मैं कहा भाई तुम पीछे बैठो यार। क्या है भाई मैं जा रही हूँ। अच्छा आपकी घरेलू कपड़े पहने हुए ऑफिस के बारे में तो आपका एक बैग ही सब पे भारी है। यही जिससे आपको गर्मी लगती है ये इसलिए लिया इसमें वाई लिखा हुआ है। एस और एल भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। नहीं नहीं लिया वाई की वजह से यासिर तो एसएल नजर ही नहीं आया। हाँ वाई नजर आया वाई और यासिर। वाई और यासिर यार आप हस्बैंड चले जैसे भी हैं लेकिन आप तो बहुत अच्छी वाइफ है ना। नहीं मैं भी फसाई हूँ। क्यों? क्योंकि बस सही अपने आप को भी अब सही नॉर्मल है बस अब फरिश्ते थोड़ी हैं। ये गुटनी वाला काम करने वाला है। अरे नहीं लास्ट टाइम भी याद नहीं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था मैं भंड मारा था। मैंने भंड मारा था और उसकी गूंज मैं आज तक सुन रहा हूँ। तो भंडना मारना आपने तो नहीं भंड मारा था शुरू निदा नहीं किया था वो। अब तुम चाह रहे हो रिपीट हो। कौन सा मुझे ऑनेस्टली नहीं किया। अच्छा नहीं मुझे बताएं आप यासिर भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं माशाल्लाह। कितने साल हो गए आपकी शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह 21 21 साल होने वाले हैं। 21 साल हो गए आपने खामोश रहना है। यासिर भाई का फेवरेट कलर कौन सा है? भाई इसमें तो अभी तो ब्लैक ही है क्योंकि उसमें पतले लगते हैं। ब्लैक आपका फेवरेट कलर? वैसे और भी कलर्स हैं लगता हूं। नहीं 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 और नहीं एक आपने यासिर का फेवरेट कलर बताना। देखिए यासिर को अपने ऊपर ब्लैक पसंद है और आपके ऊपर? मेरे ऊपर जरा ब्राइट कलर्स भी पसंद है। वो डिपेंड करता है थोड़े रस्ट कलर या ऑरेंज या मुझे खुद पिंक या लाइट इस तरह के कलर। सही जवाब दिया उन्होंने काफी हद तक सही। काफी हद तक पीच पिंक का। अच्छा यासिर भाई का फेवरेट जो हॉलीडे डेस्टिनेशन है वो क्या? घर है भाई। घर एक बंदे को अगर जो है वो आप कहीं जा भी रहे हैं घूमने के लिए तो बस होटल में रहने का। आप लोग घूमते हैं माशाल्लाह हर वक्त ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन घर है। इतने बोरिंग यकीन मानोगे जब मुझे ट्रैवल करना होता है ना मैं मजाक नहीं कर रहा मुझे 3 दिन पहले डिप्रेशन शुरू हो जाता है। अरे यार ये फिर जहाज भी जाऊंगा फिर वो सुबह उठना पड़ेगा। और आप इसकी ऑपोजिट है बिल्कुल तो वो ये अगर निदा मेरी वाइफ नहीं होती ना तो मैं शायद सखर तक भी नहीं जाता। और इनको आलू वाली बिरयानी पसंद है या आलू के बगैर बिरयानी पसंद? आलू के बगैर not आलू फैन। मुझे आलू अच्छे लगते हैं। बिरयानी ओवरऑल सही लगती है। आपने बताया नहीं कि आप मुझे आलू वाली। अब मैं जब आलू खा रहा हूं तो ये आलू मुझे अच्छे लगते हैं ये करूंगा मैं। 21 साल हो गए अभी तक ये नहीं चावल फैन नहीं है। मैं चावल फैन नहीं हूं। चावल नहीं पसंद है लेकिन बिरयानी तो खाते ना बस ऐसे ही। ऐसा कोई खास शौक नहीं। ओ बिरयानी बनाओ आज बिरयानी बनी ये ठीक है। और आज इस वक्त हाँ यासिर भाई का कितना वेट है पता है? कम है। चलो बताओ मान जैसे बताओ आज बता दे चले कितना वेट अभी कितना हो गया? वैसे मैं क्यों बताऊंगा वो बता चुका हूं। 80s में है कुछ 80s में हाँ मतलब एंड आखिर बस 90 टच कर। अच्छा जो करीब है 90 टच कर 92 है मेरा इस वक्त। वेरी गुड वेरी गुड जो कि इंशाल्लाह 86 87 हो जाएगा। ठीक है उम्र भी बता दो। उम्र बताओ उम्र मसला नहीं है मेरी मुश्किल से 32 33 का हूं। तो वो है क्यों मतलब नहीं क्या बात जो बलात ये असल तो मैं 2 मिनट लगेंगे मुझे निकालने में। ये हमारा धक्के से निकालूंगा मेरे बहुत मुलाजिम है मैं निकाल मेरी बात में हंसना नहीं है। नहीं यार आप सही कह रहे हैं 32 बिल्कुल सही। मैंने तो कहा आर्नल्ड ने आपकी हमारा जो छोटा बेटा है ना क्योंकि वो भांडा फोड़ देता है हर जगह तो हमसे हमेशा पूछता रहता है मामा हाउ ओल्ड आर यू डैडी तो हम लोगों ने मैंने 25 बताई हुई अपनी 32 बताई तो हर साल वो बढ़ती है उतनी है नहीं वो बेचारा उसको लगता है हम इतने के ही हैं और पूछता है आप इतने उतना ठीक है। मैंने कहा तुम तो कहीं बता दोगे और छुप के एक दफा मैं निदा से छोटी एज बता दूंगा मैं निदा से 3 साल छोटा हूँ पता है। उसने निदा को बताया निदा ने फिर डांटा है उसको कम से कम कर रहा हो ये तो ना बताओ ना कि मुझसे छोटे हो। अच्छा ये बताएं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आज तक यासिर भाई ने आपके लिए सबसे रोमांटिक चीज क्या की है या सबसे रोमांटिक बात क्या की है? अब ये ना बोलिएगा 21 साल में कुछ ऐसा रोमांटिक नहीं किया। नहीं नहीं किया होगा
किया होगा नहीं कुछ जो किया है सबसे जो आपको उनकी सबसे रोमांटिक अदा लगी है जो आज तक की 21 साल में। देखिए 21 साल में ना फिक्स नहीं हो सकती चीजें क्योंकि ये टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कब किसका मूड अच्छा है क्या ऐसा नहीं है कि नहीं किया की है तो 21 साल टिके हैं ना एक साथ कुछ ना तो ऐसा होगा ना इस शख्स में इतनी भी मेरी मजबूरी नहीं है कोई तो अच्छी बात होगी मुझे प्यार होगा तभी टिकी हुई हूँ ना साथ तो है अब तो हम दोनों की आंखों में हम पहले इतने भरे हुए हैं भाई बच्चों के साथ सरप्राइज प्लान किया है हाँ और घूमने फिरने का मतलब होता है कि जैसे ये आखिरी वक्त तक कहते रहते मैं नहीं जाऊंगा खुद ही प्लान करो छुट्टी में नहीं मैं बिजी हूँ मैं नहीं जा सकता रिकॉर्डिंग है फलाना है फिर आखिरी 3-4-5 दिन में सरप्राइज होता है अच्छा चलो मैं चल रहा वो फिर बहुत मजा अच्छा। एक दो दफा निदा बच्चे चले गए मैं नहीं गया हूँ बाद का बिजी होता था बाद का मैं टूपी कराता था फिर यहाँ आके बोर होता था यार ये सब चले गए यार हाँ, मैं ये पूछने वाला था यहाँ पे आप करते क्या थे नहीं मैं बोर होता था तस्वीरें देख रहा होता था वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे ये जगह ये है फिर मैं सड़ा होता था फिर मैं यार ये सब सोचता था ना यार ये मसले होंगे वहाँ अकेला बोर होंगे अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ यार ये प्लान बन जाता था हमेशा लेकिन इसमें रोमांटिक बात बोली थी रोमांटिक नहीं है ये बहुत प्रैक्टिकल आपने आज तक कोई आपको याद नहीं एक दफा मैंने इनको बोला कि देखो कितना फलक कितना अच्छा है सारा को रोज गुलाब का रोज गुलाब का ये गए पार्क हमारे और एक साथ एक हफ्ते के बहुत सारे फूल लेके आए गुलाब के नहीं थे जो तोड़ के लाए मुफ्त में और कहेंगे ये लो एक हफ्ते का कोटा पूरा रोज नहीं नहीं गुलाब उसके नहीं दे पार्क नहीं दे पार्क के शूट पे आए हुए थे मैं यार गाड़ी में रखवा दे और हंसे जाए ये लो एक हफ्ते का कोटा पूरा हंसे जाए मैंने फलक को भी बताया था मैंने कहा देखो ये किया मेरे मियां मैंने दरअसल भी सारे फूलों वाले लगाए हैं जैसे फूल आते हैं जब गिरते होंगे तो मैंने कहा तुम गुजरती हो ये फूल गिरते हैं तुम्हारी भी से लगाए मैंने यासिर भाई हमने हंसी मजाक बहुत कर लिया मैं आपको अपना स्ट्रिक्ट होस्ट वाला वो दिखाता हूँ रोल नहीं यार हाँ तुम तो मेरे घर पे आके बदमाशी कर रहे हो यार अरे नहीं अच्छा नहीं मुझे डर लगने लगा नहीं वो स्ट्रिक्ट वो कुछ पता तो चले ना मुझे गेस्ट आप अच्छा। नहीं आएंगे आगे जो दूसरे गेस्ट आएंगे दूसरे सेलिब्रिटीज आएंगे उनको ऑडिशन दे हाँ तो आपको पता होना चाहिए ना कि यार लड़के में दम है सवाल पूछ सकता है सख्त या नहीं पूछ सकता ठीक है तो ऐसा अज्यूम करते हैं हम कि जैसे वो है ना वो अवाम है आप अवाम की अदालत में आ गए हैं अच्छा ठीक है और अवाम की अदालत में आपसे कुछ 2-3 कठिन सवाल पूछे अल्लाह अकबर और आप उन कठिन सवालों का अवाम की आंखों में आंखें डाल के आप जवाब देंगे क्योंकि आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं सही है लेकिन तुम चाह रहे हो मैं जो हूँ ना वायरल होगा नहीं, नहीं, नहीं। और मैं जो हूँ ना बस क्या बोलूँ मैं पहले भी तुम्हारे शो में भुगत चुका हूँ अबे वो क्या किया आपने मैं खुद जाके देखना पड़ेगा मुझे वो क्या किया सवाल तो बता तुम बता भी नहीं रहे किस सवाल पहला सवाल मैं आपसे क्या सवाल क्या है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कठिन सवाल आपके लिए अल्लाह ये अलीजे शाह वाला क्या मामला था क्या हुआ था सेट के ऊपर क्या कहा था उन्होंने आपको क्या कहा था आपने उन्हें कि बात इतनी बढ़ गई कि आपको उसका इजहार एक्सप्रेस टीवी के ही एक शो में करना पड़ा यार ये तो क्या कहना चाहेंगे आप ये तो मुझे लग रहा है कोई स्टार प्लस का ड्रामा लग रहा है बताएं यार मैंने यासिर नवाज जवाब जानना चाहती है जवाब दो यार यार छोड़ दे भाई उजारी वो रहने दे यार मैंने नहीं हुआ क्या था बताएं ना क्या यार क्यूरियोसिटी है वहां नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था बस वो एक मैं कह चुका हूँ बात अब वो रिपीट करने वाली बात होगी यार माफ कर दो यार मेरी तरफ से मुझे मैं तुम्हारे शो के तवस्सुत से ना मैं अब माफी मांगना चाहता हूँ अलीजे मुझसे एक भंड हुआ था मैंने आपसे भंड हुआ था मुझे तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहिए था मैं ना प्रोड्यूसर था उस ड्रामे का ना मैं उस सीरियल का डायरेक्टर था और अल्लाह तुम्हें खुश रखे आबाद रखे और तुम्हें ढेर सारा काम मिले अच्छा काम मिले और पाकिस्तान को ड्रामा इंडस्ट्री को अलीजे शाह की ज़रूरत है अलीजे शाह जैसी आर्टिस्ट की ज़रूरत है तो मेरी दुआएं हैं दिल से दुआएं हैं और मेरी जो बड़ी दुआ है कि मैं और अलीजे शाह एक साथ दोबारा हम काम करें और अच्छा काम करें ये जो है मुझे वक्त ने सिखा दिया है ये दुश्मन ये जो लोग हैं जितना लड़ाना चाहें तो अलीजे शाह मैं तुमसे हसन चौधरी के शो में मैं पूरी दुनिया के सामने अलीजे शाह से माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने कहा पिछले शो में मुझे नहीं कहना चाहिए था वो मुझे हरगिज़ नहीं बोलना चाहिए था मुझे क्या किसी भी समझदार आदमी को इस तरह की बात नाम लेके नहीं करनी चाहिए थी तो अलीजे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्या बात है क्या यासिर भाई ये बताएं कि ऑब्वियसली एज एन एक्टर एज अ स्टार एक तो एक्टर का काम होता है कैमरे के सामने
ड्रामे की या फिल्म की सूरत में जब वो अदाकारी कर रहे होते हैं या डायरेक्टर आप कैमरे के पीछे भी होते हैं, एक जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं उसमें उनका उठना बैठना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, वो भी जो पब्लिक आई में आ जाता है, आप उसको एक एडिड जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखते हैं या आप कहते हैं कि इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज यार, आपने चूज़ किया इस प्रोफेशन में आना, सो वो जो एडिशनल एक स्क्रूटनी होती है, लोग दूरबीने लगा के देख रहे होते हैं कि अब यासिन ने ये कह दिया सोशल मीडिया के ऊपर, ये फलां पोस्ट लाइक कर दी, उसके बारे में ये कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिया, वो जो एक एक स्टारडम का हिस्सा है, ये जो चीज़ रिसेंट सालों में हमने देखी है, इसको आप कैसे देखते हैं? यार देखिए, ये सब जब से सोशल मीडिया आया ना तो इसको फोकस किया गया है, अब हर बंदा वायरल होना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि हम किस तरह फेमस हो जाएं, उसमें एक्टर्स भी हैं। अच्छा, ये एक्टर पहले भी इस तरह भंड मारते थे, मिस्टेक करते थे, लड़ाइयाँ होती थी सेट पे भी होती थी, किसी शो में बोल दिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है उस दो घंटे के शो में से अब वो जो चैनल है या जो इदारा है वो उस चीज़ को उठाता है कि यार इसको वायरल करो, इससे मेरा बाकी दो घंटे का शो हिट हो जाएगा। हाँ। ये एक बुरी चीज़ है, क्योंकि मैंने अगर उस शो में भी मैं अपनी बात करूँ तो उस शो में मैंने बहुत सारी बातें की थी, हंसी मजाक भी की थी, अच्छी बातें भी की थी, वही निकली, लेकिन निकली वो आके, तो इसका मतलब ये नेगेटिव पब्लिसिटी है ना, इसको ये इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मजबूरी है कि हम वो बुरी चीज़ जैसे उसको ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, अब पूरा शो शायद इतना फोकस नहीं हुआ होगा, वो बात फोकस हो गई। तो जैसे अब निदा के शो पे से भी अक्सर निकल आती हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज बन जाती हैं, चीज़ें बन जाती हैं, वायरल हो जाती हैं। निदा देखो, निदा का हुआ 92-93 वाला भी रिसेंटली शोएब अख्तर के शो पे उनका हो गया। देखिए, आप क्या देखते हैं उसको? देखो, निदा का प्योर शो जो है ना वो खवातीन के लिए, मर्द ऑफिस चला गया है, जॉब पर चला गया, बच्चे स्कूल चले गए, अब खातून ने भिंडी भी काटनी है, बिरयानी बनानी है, खाना बनाना है मियाँ के लिए, बच्चों के लिए लंच बनाना है, उस बीच में टीवी चल रहा होता है। अब उस शो में निदा अपनी पर्सनल फैमिली की बातें बता रही होती है कि मेरी भाई क्या करता है, मेरी बहनें क्या करती हैं, यासिर क्या करता है, वो रिलेट करते हैं ख्वातीन अपने आप के साथ और उसके साथ कि भाई जिस तरह हम घर में होते हैं निदा भी वैसी होती है, तो वो प्योर ख्वातीन का शो है। और आज भी निदा और हम बाहर कहीं जाते हैं तो ख्वातीन बुरके में हों चाहे खवा पर्दे में हों, वो निदा से ज़रूर मिलती हैं आके कि हम आपका शो बड़े गौर से देखते हैं, शौक से देखते हैं। अब निदा कोई टॉक शो नहीं करती, निदा कोई न्यूज़ शो नहीं करती, या तो कोई न्यूज़ एंकर हो या कोई ऐसा कोई हो ना जिसमें आप निदा की नॉलेज के हवाले से शो किया जाए कि भाई निदा को 92 वर्ल्ड का पता, निदा को नहीं पता स्पोर्ट्स के बारे में, जिस तरह घरेलू खातों को नहीं पता होता बहुत सी चीज़ों का, तो वो इसलिए वो बात हंसी मजाक में निकल जाती है। लेकिन अब वो निदा की 92 वाली बात थी या फॉर्मूला वाली बात थी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर खातून को ख्वातीन को पता हो। तो मैं तो उसको इस तरह निदा का शो प्योर शो है, फैमिली शो। जब ये बहुत वायरल हो जाती है चीज़ और ऑब्वियसली हर तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो घर पे आप किस तरह से डील करते हैं सिचुएशन? मैंने तो जैसे फॉर्मूला वाला हुआ तो मैंने तो खुद दुपट्टा पहन के शुरू कर दिया, तो हम तो लाइट लेते हैं इस चीज़ को। हाँ, निदा अपसेट होती हैं उनको आप फिर? निदा होती है, हाँ, निदा को समझा रहा होता हूँ कि भाई ये 2-3 दिन की ये है, ख़त्म हो जाएगा और इसको कॉमेडी मिलो, अगर ये कॉमेडी निकली है कॉमेडी मिलो, तो मुझे मैं उसको घर पे नॉर्मल ही रखता हूँ। मुझे सिर्फ दुख एक बात का हुआ था, अब वो वाली बात करूँगा फिर वायरल हो जाएगी यार, कोई बात नहीं, दुख हम शेयर करें दोनों। क्योंकि देखो, शोएब अख्तर साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पहचाना जाता, वो नाम पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट देखी जाती है, वहाँ पर शोएब अख्तर साहब को बहुत इज्जत देते हैं और जानते हैं। वो नॉर्मल क्रिकेटर भी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजेंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है वो। तो वो जो शो कंटेंट जिसे बनाया और जिसे वायरल किया, उसको इस इन लाइनों की निदा के वायरल होने की ज़रूरत नहीं थी, उनके स्टैचर को सूट नहीं करती, सूट नहीं करती वो। शोएब अख्तर को फोकस करके अगर वो शो को लेके आते ना, इसमें मैं कहता हूँ शोएब साहब, शोएब भाई को खुद चाहिए था, वो बोले यार इस चीज़ को वायरल ना करो, मैं आ गया हूँ और एक शो होस्ट कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात और क्या होगी जो आप 92 वर्ल्ड कप के इस छोटी चीज़ों को वायरल कर रहे हैं, आगे भी किए उन्होंने, तो वो शो कंटेंट टीम या डायरेक्टर या पूरी जो टीम है वो उसकी गलती है, लेकिन शोएब भाई के साथ ये चीज़ें सूट नहीं करती। ये देखे ना, अब आपने एक और लर्निंग मुझे दे दी है मेरे शो के लिए कि यार कि अगर वायरल होना है तो अपने दम पर वायरल, अपने दम पर वायरल, और नहीं अपने दम के। देखो, शोएब भाई की इसमें गलती नहीं है, ये जिस जो टीम है पीछे ना, हाँ, यानी कि कंटेंट टीम को आपको समझाना चाहिए यार कि भाई एक बड़ा नाम है और उस बड़े नाम के साथ इस इन छोटी चीजों को ना आप जोड़ें, बिल्कुल गिमिक्स की जरूरत नहीं है, गिमिक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये जो थी ना ये पर्चियां ये मेरी गाड़ी में पड़ी हुई थी, अल्लाह मैंने रखी हुई है। गेम शुरू नहीं हुआ अभी तक। अलीजे शाह वाला सवाल जो गैंग वाइज नहीं, ये तो अब रैपिड फायर है। अच्छा, हाँ आपने सोचना नहीं है, बस सोच। वैसे भी आप कौन सा सोच के जवाब देते हैं? आप तो यूं जो दिल में है वही जुबान पे है, आप कर देते हैं इसका। और जल्दी जल्दी हमने करना है, ठीक है? निदा और आपके बीच में ज्यादातर झगड़ा किस बात पे होता है? निदा के टाइम घर आने पे। और पहले मानता कौन है जब लड़ाई? निदा मानती है। और निदा मुझे बता देती है मजबूरी की, भाई आज शुभ है, क्यों? निदा 1:30 बजे घर आ जाती है, ठीक है, लेकिन कभी 3-4 बज गए 5 बज गए तो मेरा मूड ऑफ होना शुरू होता है, लेकिन फिर जब रीजन बता देती है मैं सही हो जाता हूँ। ठीक है, ये मूड ऑफ होना इसलिए शुरू होता है कि आपको उनकी याद आ रही होती है, या कुछ घर पे आके उन्होंने आपके कोई काम शाम करने होते हैं? काम नहीं, वो घर पे बच्चे होते हैं, मैं होता हूँ, मेरी शूट नहीं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि जैसे मुझे सीरियल स्टार्ट होगा, हाँ, तो मैं 4-6 महीने तक सुबह निकलूंगा और आपकी नजरों के सामने रहे। मेरी नजरों के सामने ये अजय है। हर मर्द की एक कमजोरी होती है, वो चाहते हैं बीवी नजरों के सामने रहे। शादीशुदा होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कि आप बहुत से गुनाहों से बच जाते हैं। और शादीशुदा होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आप दोस्तों के साथ जब बैठ नहीं सकते वो जुर्म है आपके लिए। मुझे लगा कि आप बहुत सारे गुनाह नहीं कर पाते। नहीं नहीं यार, तुम दो, मैं क्यों नहीं दूंगा? सॉरी। तुम सोचते हो गए, भाभी देख रही है किस नियत सोच का आदमी है ये। मैंने कहा गुना बच जाते हैं ना, तो अच्छी बात है। मॉर्निंग शोज की वो बात जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद मॉर्निंग शोज जनरली? मैं सच बताऊं, मैंने निदा का मॉर्निंग शो मुश्किल से शायद 14 साल में 14 शो भी नहीं देखे होंगे। अच्छा, मैं नहीं देखा। आपने जो गए हैं वो देखे? वो भी मैंने, हम फॉरवर्ड करके यूट्यूब पे देखे, वो भी हमने जो कोई फनी फैमिली आई है पूरी हमारी, उसमें बैठ के हमने देखे, फैमिली वाले देखे हमने, जो हाँ। फराज आ गया, दानिश आ गया, ठीक है, वो मैं बहुत कम शो देखे हैं, ठीक है, वो बेसिक खवातीन का है तो वो उनके लिए है वो, ठीक है। ये चैलेंजिंग सवाल है, सबसे फेवरेट होस्ट कौन सा आपका निदा के अलावा? मुझे शाइस्ता अच्छी लगती है, मुझे मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है। नहीं, हसन भी अच्छा होस्ट है, हसन चौधरी एक भी अच्छा होस्ट, हसन चौधरी अच्छा नहीं, मतलब 2-4 है ना, एक थोड़ी हो गया। अच्छा, जने सच्चा जवाब दीजिए, ठीक है। नहीं, मैं सही से सच्चा जवाब दिया मैंने, हाँ। फंबल भी कर रहा हूँ, देखो पड़ोसी होने का कुछ तो वक्त निभाऊ ना मैं यार। ठीक है। अच्छा, आपने ये सेंटेंस को फिल करना है, हाँ, फिल इन द ब्लैंक टाइप है। निदा ने मुझे सिर्फ डैश के साथ बात करने से मना किया हुआ। आपसे मुतालिक कोई एक ऐसी बात जो कि इंडस्ट्री में मशहूर है लेकिन वो सच बिल्कुल भी नहीं है? सच बिल्कुल भी नहीं है, कोई झूठ र्यूमर आपसे रिलेटेड इंडस्ट्री में मशहूर है? मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ, एक्टर से बदतमीजी करता हूँ, हाँ। लेकिन ये था शुरू में, था पहले सच, शुरू के पहले सच था पहले, लेकिन इस बात को 2-4 साल 5 साल में मुझे अंदाजा हुआ कि यासिर भाई गुस्सा करेंगे खुद का ही नुकसान है, तो बेहतर है काम 2 दिन में होना है, शायद 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब बहुत चेंज हो गया, ठीक है। इनमें से किस एक्ट्रेस के साथ काम करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे? नंबर 1 नीलम मुनीर, नंबर 2 अलीजे शाह, नंबर 3 सना जावेद। नहीं, मैं 3 के साथ काम करना चाहूंगा, कभी नहीं सोचूंगा मैं। ब्यूटीफुल। हु इज द बेस्ट ड्रेस्ड एक्ट्रेस अमंगस्ट द फॉलोइंग? ठीक है, सजा लली, महविश हयात, उर्वा हुसैन, मायरा खान और सारा खान। बेस्ट ड्रेस्ड मायरा और सजल। मायरा और सजल, ओके। रेट द बेस्ट एक्टर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम 1 to 10। ठीक है जी, ओ सारे आपके दोस्त अदनान सिद्दीकी, वो नंबर याद भी रहे ना मुझे, हाँ, अदनान सिद्दीकी। नहीं, नंबर दे दे 10 में से। हाँ, अदनान अच्छा है, 7। 7 अच्छे पे 7 दिया आपने, हाँ। ओके, हुमायूं सईद। हुमायूं मुझे वैसे ही पसंद है, हाँ, तो 9। अच्छा, जावेद नुमान एजाज, उसका मैंने काम देखा, अच्छा जा रहा है वो, मैंने प्रॉपर बैठ के काम नहीं देखा है, लेकिन उसको मैं 5 तक दूंगा। 5 देंगे, ठीक है। फहद मुस्तफा, काम देखूंगा उसके बाद अंदाजा लगाऊंगा, ठीक है। फहद मुस्तफा, फहद भी 5। एक्टिंग के, एक्टिंग का, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन बता दे रहा हूँ, मेरा, मैं एज डायरेक्टर जो मैं समझता हूँ, जो मैं 5 दूंगा। और वहाज अली, हाथ थ्रॉब आजकल, वहाँ आजकल वहाज का भी अच्छा जा रहा है, और वहाज का हमने काम भी किया एक सीरियल में। अच्छा, शायद शफात का सीरियल था, बहुत बिल्कुल छोटा सा रोल था आपका। नहीं, मेरा छोटा नहीं था, वहाज का बहुत छोटा रोल था, नीलम और मैं और बिक्रम मोती, बिक्रम मोती बच्चों के ऊपर, बड़ा जबरदस्त, आपकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। वो पता नहीं क्यों उतना हिट नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छा ड्रामा था वो, तो वहाज 7। 7, ठीक है।
इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए इंसान में, एक्टर में, टेक्नीशियन में, राइटर में, डायरेक्टर में? काम के साथ कमिटमेंट हो, पक्का कमिटमेंट का पक्का हो, मतलब वो ये ना हो कि वो पैसों के लिए काम कर रहा है। हमारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब आप शौक के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मुझे, मैं तो सच बताऊं, मैंने तो बहुत अरसे बाद सोचा कि यार मैं तो इससे घर चला रहा हूं, बच्चे पाल रहा हूं इन पैसों से। मैं तो सोचता था मुझे ये मेरे लिए पैशन और मुझे खुदा की तरफ से तोहफा मिला है कि मैं काम कर रहा हूं, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। वाह, इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है कि मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे शौक है जिसका, और साथ में पैसे मिल रहे हैं। तो पहली बात ये कि आपको, और दूसरी बात रिस्पेक्ट ज़रूरी है, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, आप रिस्पेक्ट दें दूसरे को। बहुत अच्छी बात है। आपकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन को-स्टार मेल और फीमेल? मैंने सानिया के साथ बहुत काम किया है, सानिया सईद के साथ बहुत काम किया। वो शानदार है, वो एक्ट्रेस भी शानदार है, बंदी भी शानदार है, उससे ज़्यादा अच्छी है। हाँ। एक्ट्रेस से ज़्यादा अच्छी बंदी है, वो इंसान अच्छी है सानिया सईद। और मेल? मेल में मुझे हुमायूं अच्छा लगता है, हुमायूं बंदा अच्छा है। हुमायूं एस्टैब्लिश कर दिया, आपको अच्छे लगते हैं, बस ये हो गया, डन डील। हाँ, ये मैंने पहले भी बताया मुझे। अच्छा, अच्छा आर्टिस्ट है हुमायूं। हुमायूं की अच्छी बात ये है कि उसने अपनी पिटारी जो होती है ना एक्टिंग की, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता खोली है। क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्टर हैं जो एक साथ अपनी पिटारी खोल के ना, वो अब आगे क्या करना है, अच्छा वही चीज़ रिपीट कर दो, वही चीज़ रिपीट कर दो। हुमायूं आपको हर दफ़ा नया नज़र आएगा। और उसकी अब अच्छी बात यह है कि उसने काम भी कम कर दिया है, साल दो साल तीन साल में कोई ड्रामा आ रहा होता है तो वो और निखर के सामने आ रहा होता है काम। ठीक हो गया यासिर भाई, मेरे ख्याल में ये मजे के सेगमेंट्स हैं, ये अच्छे हैं, ये वाले से हो गया, खत्म हो गया। हाँ, ये वाला हो गया, मतलब खत्म, मैं सेलेक्ट हो गया। हाँ, हो गए। मैं सेलेक्ट हो गया। कैसी थी इन सेगमेंट्स में, कैसे इनको कैसे आप रेट करेंगे? नहीं, तुम्हारी होस्टिंग तो अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी होस्टिंग ज्यादा मेरे सवाल ऐसे थे जो बचाए मैंने। हाँ, ये आपको भी क्रेडिट है, 10 में से 9 नंबर दूंगा मैं, आप बचा के यूं निकले, ऐसे निकला हूं मैं आके। लेकिन ये कि मैंने जवाब सारे सही वाले दिए, सही दिए, अच्छे दिए, और जवाब दिए। तो मुझे, मैं देखता हूँ गाड़ी में और 3-4 पर्चियां पड़ी होंगी इसी तरह के, कोई प्ले का को कार्ड शार्ड होंगे, क्या कहते हैं इनको, कार्ड्स को। अच्छा। तो कोई 2-3 और गेमें खेल लेते मजे की, तुम जो मुझे फंसा के। अरे नहीं, मजे की गेमें खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी लोकेशन भी तो चेंज करें ना, वो भी तो आप देखेंगे चलते फिरते मैं कैसा लगता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, अगर मैं सेट पे हूँ तो मैं शोर शराबा कर सकता हूँ या नहीं, और वो अलग अलग। शोर शराबा क्यों करना है, सेट पे होती ना जरूरत है आजकल की, जरा वाइब लोगों को अच्छी लगती है, एनर्जी है होस्ट के अंदर। क्या दो मिनट ब्रेक जाने वाले हो गए, ब्रेक, एक छोटा सा ऑडिशन दो मुझे। तुम जो हो इस वक्त आए हो मेरे पास सीरियस कैरेक्टर द्वारा, और बताना चाह रहे हो कि मैं, मुझे जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि मैं बेरोजगार हो गया। बहुत इंटेंस सीन है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमसे मुझसे मशवरा लेने आया। चलें जी, कैमरा रोल, एक्शन। नहीं, तुम दोस्त, तुम मांग भुड़िया मुझसे, दोबारा दोस्त से दुख शेयर करने आए हो। एक्शन। सलाम अलैकुम यासिर भाई। वालेकुम, क्या हुआ हसन, खैरियत? यासिर भाई वो क्या हुआ हसन, जॉब से निकाल के यहाँ करो यार, और घर चलाने वाले तुम एक वाहिद बंदे थे। बस यार हसन, बस कैसे बताऊंगा घर वालों, है तो मुश्किल। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार हसन, सीरियसली तुम अच्छे आर्टिस्ट हो यार, तफरी समझ रहा था लेकिन तुम अच्छे आर्टिस्ट हो यार। अभी आप मुझे एक मिनट और देते, मैंने आंसू निकाल लेना था। हाँ, नहीं वो आ गए थे आंसू, आया ना। हाँ। आया तो मैं नहीं चाह रहा कि शो जिस मोमेंट पे जा रहा है ना, हाँ। उसी में रहे, लेकिन यार यासिर भाई कैरेक्टर निकला, प्रॉमिस, ये वादा। अगर कोई अच्छा कह रहा, अभी मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर निकला तो डन हो गया। आप मानते हैं यासिर नवाज आज मान गए कि मेरे में है एक्टिंग टैलेंट है, तो मैं रिव्यू करता हूं तो सही करता हूं फिर, इसका मतलब है। हां नहीं सर, रिव्यू कर। ओके, इस मौके पे एक ब्रेक लेते हैं, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मानते हैं यासिर भाई मुझे, और मैं वो तो करूं ना कैमरे को देख के, कैमरा मैंने रखा अपना, ख्वातीनों हज़रात हम वापस आ चुके हैं, और अब शुरू करेंगे हम गेम्स का सिलसिला, गेम्स खेलेंगे यार। ये देखें, मेरी क्रिएटिविटी देखें, मैं आ गया आपके फ्रिज के अंदर, मैंने कहा जो बोतलें पड़ी हुई हैं हलाल ही थी सारी बोतलें, ये अच्छी बात है, बोतलें सारी निकली, वो हलाल बोतलें निकली सारी, सही कह रहा। मैंने निकाल के डिफरेंट डिफरेंट रंग की रखी हुई थी आपने, मुझे अच्छा लगा। जो हलाल नहीं उसमें मनी प्लांट लगा दिया, मुझे क्या पता, देखना पड़ेगा। मनी प्लांट देख रहे हैं यार, आप तुमने कर दिया ये सब, मैंने
अभी लगाए मनी प्लांट इतने बजे खरीदा, वो उसकी थी ऑलिव बॉटल थी, ऑलिव ऑयल की बॉटल, तो मुझे ठीक है ग्रीनरी से वैसे ही बड़ा प्यार है मुझे, मुझे आपको प्यार लग रहा है। तो मैंने ये देखा कि आपने फ्रिज में माशाल्लाह हर रंग की बोतल रखी है ना, आपने ये नहीं किया कि किसी एक पर्टिकुलर रंग को आप प्रेफरेंस दें। हाँ ये हम मेहमानों के लिए रखी, हम नहीं पीते हम लोग। हाँ मेहमानों के लिए रखी आपने, मुझे हालांकि अभी तक आपने नहीं पिलाया ना कुछ खिलाया, ना प्राउन्स आए ना, तुम खुद फ्रिज खोल रहे हो, तुम खुद जाके खुद ही, मैं तो क्रिएटिविटी, फिर मेरे बाला को बुला रहे हो, एक बाला से हुई सारी, तो मैंने गेम सोची। अच्छा। मुझे स्ट्रॉस भी नजर आ गए, मैंने ये देखा कि आपने बोतलों के साथ साथ स्ट्रॉस भी रखे हैं। स्ट्रॉस से खून तो नहीं मिला किसी का? नहीं नहीं, मैं फिर मुझे ये भी मिल गया, इसको क्या कहते हैं, आई आई मास्क, ये जहाज से चुरा के लाए हैं। जहाज से आपने चुराया, कोई बात नहीं, चुराया भी तो क्या चुराया, लोग जहाज से पंखा उसका चुरा ले, पर साबुन उठा लेते हैं, परफ्यूम उठा ले, अब तो परफ्यूम वहाँ जहाज में बंद कर दिया उन्होंने, निकलता ही नहीं हुआ लॉक करते। ये मैंने ये सोची कि मैं आपको ये ब्लाइंड फोल्ड पहनाऊं। अच्छा ये आपने पहना और मुंह में आपके दे दूं स्ट्रॉ तो मैं भी दूंगा मुंह में, क्या तुम्हारी बारी भी होगी, ये सब कुछ मैं भी पिलाऊंगा, स्ट्रॉ दूंगा और तुम्हें भी करने की, क्या बात हुई, गेम देखो हम दोनों खेलेंगे, मुंह में सिर्फ आप लेंगे ये स्ट्रॉ और उसके बाद आप ब्लाइंड फोल्ड के साथ मुंह में स्ट्रॉ लिए कोशिश करेंगे कि वो आप डाल दें बॉटल के अंदर, बॉटल के अंदर, ठीक है। तो अब आप, और अगर मैं नहीं कर सका तो तुम करोगे? नहीं नहीं, तो देर होगी, अगर आपने कर ली तो आप मुझे देर देंगे। अच्छा तुम ये बॉटल वाला स्ट्रॉ मेरा ही है, आप गेम ही आपके, गेस्ट तो आप है ना यार। अच्छा ये तो यही तो मेरा सेट, बॉटल भी हमारी, गेम भी हमारी, गेम भी आपकी, मर्जी तुम्हारी, मर्जी मेरी, यार ये कैसी बेईमानी है, ये तो गेम है। तो अब आप ब्लाइंड फोल्ड पहने, अच्छा ये स्ट्रॉ रखे आप अपने मुंह में, उल्टा कौन सा सीधा कौन सा, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, जो चीज आपको, जो साइड आपको कंफर्टेबल लगे ज्यादा, यूं पहनने, एक मिनट मैं जरा टाइमिंग बना लूं, हां टाइम ऑफ टाइमिंग है आपकी बिल्कुल, 1 2 3 4 5 चल बेटा, कितने 10 सेकंड्स 20 10 सेकंड्स, चलें ये ले स्ट्रॉ में, दूं आपको, दो ना, कहाँ है ये तो दे सकता हूँ ना, अच्छा ओके 1 2 3 स्टार्ट, वेरी क्या बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, मैं कहना चाहता हूँ, हेलो, हाँ अरे वाह 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 वाह, चले हैं 10 सेकंड में हो गया, ठीक है एक हो गया, अब आप मुझे एक डेट दे सकते हैं। अच्छा हाँ एक मिनट बेटा, किचन में आयो ना, हाँ ये पकड़ो, हाँ ये रखो, गेम खेला होगा स्कूल की दुकान में, क्या करूँ अब इसको लेके ना यहाँ से यहाँ के दो तीन दो चक्कर लगाओ, नहीं मैं वो जो मैंने कैमरा टिकाया हुआ है ना वो फ्रेम में नहीं आऊंगा मैं, नहीं लॉन्ग में बनाया होगा ना, लॉन्ग में रखा हुआ है, उधर से इधर, हाँ उधर से इधर वॉक करो, अच्छा चलो ओके, हाँ चलो स्टार्ट। यस हसन, और हसन क्या हाल है, क्या कर रहे हो आजकल यार, हाँ ये डांस भी करना, वाह वाह डांस करते हुए जाओ, ये तो तेज चल रहा है यार, ये क्या बात है, एंड तक जाओ, एंड तक जाओ, चीटिंग चीटिंग, ये चीटिंग है ये, शाबाश कम से कम 5 राउंड लगाने, 2 हो गए ये, 3 स्वीट, ये स्वीट स्वीट स्वीट, 4 5, चलो भाई गुड गुड, बस सही सही है भाई, जबरदस्त भाई जबरदस्त यार, अरे तो क्या बात है यार, इसको दोनों अगला मैं करूंगा, हाँ चलो चलो, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। Five, four, three, two, one. Time हो गया, time हो गया, time हो गया। अबे यार। Time, अरे बस करें। चोरा था यार इसे। बस करें। तो इससे नज़ावा मैं बेईमानी नहीं कर रहा। हाँ नहीं करें, नहीं करें। लेकिन मुझे क्या करना, टास्क दोगे मुझे? हाँ, टास्क नहीं पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अच्छा सवाल पूछोगे? और आपने उसका सच सच जवाब देना है। अगर अगर आज आज निदा निदा आपको आपको दूसरी दूसरी शादी आगे करने करने की इजाजत दे देती है तो आगे आगे आप किससे दूसरी शादी करना चाहेंगे? ये बताएं, रिकॉर्डिंग पर है कैमरा? नहीं नहीं बंद, मैं असल में शादी में निदा से करना चाहूंगा, तीसरी शादी में निदा से करना चाहूंगा और चौथी, हाँ नीचे बोलो, हाँ देखो मैंने तुम्हें बताना था, बता दिया, बस ठीक है ठीक है ना, ठीक है गुड 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 जवाब, मैंने ये बोला है दूसरी भी और तीसरी भी निदासी, हाँ ठीक है डन ओके। अब क्या है, अब दो बोतलें हमने हटा दी,
दो हटा दी हमने यार, ये तो बड़ा मुश्किल गेम है सीरियसली। तीन रह गई, चले 1 2 3 स्टार्ट। यार क्यों? बहुत गरीब थे आप, बहुत गरीब थे आप। हाँ। अच्छा दूसरा सवाल है, हाँ। मेरे पास डेज नहीं है आपके लिए, मैं अच्छा। सवाल पूछूंगा आपसे, तो होस्ट हूँ ना, तो तुम मुश्किल काम मुझे दिया हुआ है होस्ट। ये क्या बोलूं, नहीं मैं आप जीते थे, मैं ढेर करता फिर जीता था। मुश्किल है यार, आंखें बंद करके मैं। आप पहले जीते ना, एक में गलती से जीत जाता है। अच्छा अच्छा दूसरा सवाल, दूसरा। आप निधा को पहली बार डेट पे कहाँ लेके गए थे? जब मंगनी हो गई थी, वहाँ बात पक्की हो गई थी, मैं तब गया था। तो मैं भाई शादी के बाद आप पहली बार डेट पे कहाँ लेके गए थे? और मजे की बात ये, मैं मंगनी हो गई थी, तय हो गया था, और बड़ी धूमधाम से मंगनी हुई थी। तो मैं निधा को खाने पे ले गया था, मुझे जगह याद नहीं आ रही कहाँ ले गया था, इत्तेहाद रोड याद है, और पुलिस रोक लिया था हम दोनों को। नहीं हाँ, दोनों निधा भी यंग थी, मैं भी यंग था, तो उसको उस जमाने में वो थी इस्लामी मुल्क और आप बाहर डेट नहीं मार सकती, कानून था पूरा चलता था, निकाहनामा के बगैर। और हम उतने टीवी हम स्टार्ट कर चुका था हम लोग, लेकिन पुलिस वाले सिपाही कहाँ पहचानते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है, निधा को भी याद होगा यकीनन, तो पुलिस से पकड़ लिया मैं इत्तेहाद रोड पे, कहाँ जा रहे हो? वैलेंटाइंस डे था, पहला वैलेंटाइंस डे था, तो कहाँ जा रहे हो? उनको पता था कि आज कपल निकले हुए डेटों पर, पकड़ लिया हमें। उनको भाई हमारी मंगनी हुई है, मंगेतर है। हाँ सब यही कहते हैं, सब यही कहते हैं। तो फिर अब समझाया हमको भाई, इतने में तो अंदर किसी भाई बैठा हुआ था, उसने पहचान लिया हमें। अरे आप तो फरीद नवाज बलोच के बेटे हैं ना? हाँ अभी हाँ इनकी मंगेतर हैं दोनों ये। अच्छा सर क्या हाल है? वो छोड़ दिया हमें। मैं कहने था शुक्र है बचत हो गई, तो हम आज लॉकअप में बैठे होते हैं। उसको पुलिस की बड़ी सख्ती थी। तो पहली डेट मतलब मंगनी के बाद जो पहला डिनर था उसका आपका मेमोरेबल? लेकिन ये याद ही ठीक है, देसी खाया होगा यकीन। देसी नहीं खाते, देसी मजे की बात ये, शादी को 21 साल होने वाले हैं, मंगनी मिलाओ तो 22-22.5 साल हो गए हैं, हमने आज तक बाहर देसी नहीं खाया। बाहर कभी रेस्टोरेंट देसी तब खाया है जब किसी ने दावत दी हुई है 12-15 लोगों को, और तो पहली बार देसी खाया। ठीक है दो बोतलें रह गई हैं, अब मैं आपके टाइमर बढ़ा देता हूँ 15-20 सेकंड कर। यार आप कितने अच्छे हैं, मैं तो दयावान हूँ। आप दयावान है सीरियसली यार, कितना सेकंड कर दिया आपने? 20 सेकंड। हाँ मुझे 20 मिनट लग रहा है ये। नहीं नहीं आपने पहली बार वो कर दिया था, आप कर लेंगे, आप में टैलेंट है यासिर भाई, यू कैन डू इट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 1 2 3 स्टार्ट। देख रहे हैं। आपकी एक्टिंग पे, आपकी एक्टिंग पे मैं कहता चले ठीक है, मैं कहाँ से देखूंगा यार, कैसे देखूंगा मैं आपको बता दो ना, आप कैसे देखूंगा, क्योंकि आपने ऐसे नहीं रखा हुआ था, आपने उसको ऐसे रखा हुआ था। नहीं यार, अरे सही कह रहा यार, देखो दोबारा कर लेते। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात कर लेते। अरे मैंने देख लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, चले दिया मुझे। नहीं एंड में नजर आया था, जब मैंने यूं किया वो इतना नजर आ रहा है। अरे अच्छा अच्छा चले, आपको लगा निकल गए तो निकल गए। अब मुझे देखो, मुझे कोई अच्छी सी गॉसिप मैं सुना, ऐसी गॉसिप कि बस शो मुझे वायरल हो जाए, गॉसिप भाई हसन चौधरी जो ना हिट हो जाए। मैं आपको गॉसिप सुनाऊं? ऐसी ऐसी गॉसिप, ऐसी बात सुना दो मुझे मीडिया की बात जो किसी ने सुनी ना हो। ऐसी कौन सी बात हुई है? मैं सोच रहा हूँ कैसे नहीं हुई। हाँ सुना दो, सुना दो आज। फड्डे किसके हुए हैं आजकल, तलाक किसी की, शादी किसी की। शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं यासिर भाई ठंडा चल रहा है सीन आज। नहीं ये तो भी ये नहीं चलेगा। Honestly? मैं जा, अब तुम भले घर में रहो मेरे, मैं जा रहा हूँ बाहर। नहीं नहीं ऑनेस्टली कोई बताओ कोई ऐसी बात। नहीं आजकल ऑनेस्टली मुझे बताए ना कोई ऐसी चीज। तो तुम तुम्हारी कुछ दो बहनें, दो दोस्ती भी थी तुम्हारी, उनके बारे में कुछ सुना दो, कुछ बता दो रहते तुम उसके बारे में। ऑनर बता दो ना। नहीं 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 कोई। तुम अगर डायरेक्टर हो तो दोनों बहनों से किसको कास्ट करोगे? उर्वा मावरा बहनों में से? मैं मावरा को कास्ट करूंगा। वजह? उर्वा क्यों नहीं है? उर्वा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इक्वेशन मावरा नहीं, जो कहानी जो कैरेक्टर जो है। हाँ ये एडिट किया ना बेटा। क्या एडिट किया? हाँ तो पूछ ले। कैरेक्टर की डिमांड उर्वा है। ठीक है, किसको कास्ट करोगे, मावरा को या उर्वा को? कैरेक्टर की डिमांड उर्वा है। हाँ तो फिर उर्वा को कास्ट करेंगे। तो मावरा क्यों नहीं? मावरा क्यों नहीं? आपने खुद का कैरेक्टर की डिमांड उर्वा है। नहीं अगर आपने कहा प्रोड्यूसर चाह रहा है मावरा करें और आप कैरेक्टर की डिमांड उर्वा है और मैं प्रोड्यूसर, फिर प्रोड्यूसर की सुनूंगा मैं।
पैसे तो प्रोड्यूसर ने देने ना। अगर फर्ज करें प्रोड्यूसर बोला कि तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कास्टिंग कर ली, तो फिर तो नहीं चलेगा काम, तो फिर क्या होगा बेटा? सही है ना? फिर ये गॉसिप नहीं है। तो आप जो आपने पूछा, जो मैंने सवाल दिया, आपने जो सवाल, नहीं नहीं, जिस तरह की चीट करके आपने गॉसिप का मतलब कोई गॉसिप दो, जिस तरह ये तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरह आपने चीट करके गेम जीती ना, उसमें इतना ही मिलता है। सर आप समझ तो गए होंगे इसने क्या बोलना चाहा, आप यकीनन समझ गए होंगे। अगली गेम, अगली गेम नहीं, यही गेम का अगला राउंड। आग लगा दी है मैंने, आग लगा दी है। हां चलें अगला राउंड। चलें अच्छा जी, हां जी, अच्छा सा गाना सुना। मैं गाना सुना अच्छा सा, मेरी भद्दी आवाज में। मैं बोल दिया, मैंने बोल दिया, सुनाओ गाना मेरी भद्दी आवाज में। और देखें दोस्तों, जितने भी यहाँ बैठे हुए सब गुनगुनाएंगे साथ, सब शुरू ये करेंगे, हम सब गाएंगे, मैं भी गाऊंगा, आप भी गाएंगे। एक मिनट, ऐसे नहीं यार, मैं पूरा इंतजाम करता हूँ। माइक भी ले, आपने आपने भी रखा हुआ माइक? नहीं सवाल रखा हुआ? नहीं सवाल रखा हुआ है। चले जी, आप भी गाएंगे मेरे साथ? शुरू आप करेंगे, हम तो बाकी लोग सब गाएंगे आज। ठीक है। ना तू आएगी, ना तू आएगी, ना ही चैन। तुम गाना सिखाओ, नहीं गाना गाओ। ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा मेरे आंगन की, हरी बेलों का पता बता सूखता जाएगा। ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा। बस भाई बस बस भाई बस। अच्छा, चाहता हूँ आप ये देखें, सिंगिंग तो मेरी थर्ड क्लास है, लेकिन मैं सिंगर का रोल कर सकता हूँ। तो सिंगिंग भी तुम्हारी थर्ड क्लास है, लेकिन हाँ रोल कर सकते हैं। रोल कर सकता हूँ मैं सिंगर का। बहुत मजा आया यासिर भाई, आपके साथ जा रहे हो? नहीं 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 यार, इतनी जल्दी कैसे यार, इतनी जल्दी कैसे? अच्छा। आया हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। क्राइम मास्टर गोगो ने बात की थी आपको याद? तो ये हो गया गेम, ये हो गया, ये हो गया। अब एक और गेम खेलते हैं। ना करें यार, हेड्स अप खेलते हैं। हमारी एक और गेम है जिसका नाम है हेड्स अप। अच्छा। मैं और आप दोनों इस गेम में इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, गुड। आप कुछ चीजें मुझे गेस कराएंगे एक्शन से बोले बगैर, और कुछ चीजें मैं आपको गेस कराऊंगा एक्शन से बोले बगैर। दोबारा ये पर्चियां जो हमारी गाड़ी में मेरी मौजूद थी, मैंने निकाल ली है। जब मैं सेट पे कर रहा था ना अपना शो, बड़ा पॉपुलर मेरा सेगमेंट था, उसका नाम था व्हाट्स ऑन माय हेड। तो होता ये है कि मैं अपने सर के ऊपर ऐसे रखूंगा, आपने सिर्फ एक्शन से मुझे गेस कराना कि ये क्या है। एक्शन ओनली, हां, यू कांट से एनीथिंग, गो। अच्छा, ये वही है जो मैं समझ रहा हूं? हां, नहीं नहीं सही है, पढ़ लिया मैंने, दूर की सही करीब की जो था। वैक्सिंग। वाह, मैं तो खींचने वाला था, तो मैं तो पहुंचे नहीं। चले आपकी बारी। अच्छा, मेरी बारी है। देखना नहीं, आपने सर पे रखना है देखे बगैर। ये सीधा कौन सा होगा? ये नहीं, मैं देखूंगा। आप नहीं, आप नहीं देख सकते ना। अच्छा। मैंने आपको गेस कराना है। ओ शुरू हो गया ऐसे कैरी, कच्चे आम जो होते हैं, खटाई, वो कटारे, अचार। अबे यार क्या पप्पी कर रहे हो तुम यार? नहीं नहीं, पप्पी नहीं कर रहा, क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग, हाँ। क्रेविंग। आइसक्रीम की क्रेविंग होती है सालत में। नहीं नहीं, और कैरियों की भी होती है। हाँ, कैरियों के साथ मिलती एक चीज होती है, कच्चे आम होते हैं, आम होते हैं, कटारे होते हैं, इमली होती है। इमली। अच्छा, और इमली आपको पता, कटारे इमली होती है ऐसे तो? नहीं नहीं, इमली इमली होती है। इमली क्या, कुछ कटारे पानी मिलाओ ना। हाँ। तो इमली निकलती। अच्छा, है। मुझे इतना साइंस नहीं पता। हाँ। लेकिन देखे मैं पहुंचा कैसे हूँ यार, देखो यार, ये है मेरे अंदर टैलेंट। लेकिन तुमने मुंह उधर करते ना, मुंह उधर करके किया, जानबूझ के किया, उल्टा किया, सीधा करो। अच्छा अच्छा, नहीं सही, गरीब मिला दूर सही है। ओके, भूखा, करीब करीब, सॉरी, नदीदा। यस, तुम बताया नहीं कि मैं इतना चैक्टर हूँ। आप हैं नदीदा, कहाँ है लिखा? ये है ना, अबे यार कमाल हो गया यार, यार आप बहुत अच्छे एक्टर हैं यार। या बस यार, कमाल हो गया ना। चलो, ओ
अंडरवियर हाँ बट वो अपना अंडरगार्मेंट्स नहीं क्या लॉन्जरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं क्या यार लॉन्जरी किधर क्या ये गंदा अच्छा क्या ये हजारबंद नहीं 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 यार ये क्या ये कच्चा हाँ हाँ कच्चा इंग्लिश में क्या कहेंगे शॉर्ट्स हाँ हाँ शॉर्ट्स ही है ना हाँ बॉक्सर्स बॉक्सर्स अच्छा तो तू उसको वो करते ना ये करते भी यूं करते अरे हाँ ये देखा ये तो सीखने आऊँ मैं यार चलो सही है ये तो मैं सीखने आऊँ मैं पहले ही सही बता दिया अंडरवेयर हाँ अच्छा हाँ फंस गए हैं थोड़ा सा नहीं फंसा नहीं उसको डिफाइन किस तरह करूँ हाँ बिजली नहीं नहीं लाइटिंग नहीं, शादी नहीं। परिंदा पान शहद यस शहद शहद यार यासिर तो पता तो नहीं है नहीं यार यार मैं अपने आप को अवार्ड दे दूंगा मैं यार तो मैं अपने आप को क्यों ना दूं कितना अच्छा एक्टर हूं मुझे क्यों नहीं दे रहे आप नहीं मैं ये एक्टर मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है हां सही है ये भी सही है हां ठीक है किसकी बारी है आपकी हां ये सही है हां पर्दा स्क्रीन सिनेमा सिनेमा अच्छा गुड ठीक है वेरी गुड यार तुम भी अच्छे एक्टर हो हां मैं भी हां अच्छा मेडिटेट दुआ मर गया फ्यूनरल जनाजा ओ खुद कब्र कब्र अबे यार कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड सही है अच्छा मेरी बांसुरी हाँ फ्लूट फ्लूट अच्छा और मैं अदनान सिद्दीकी भी बन सकता हाँ अदनान यार लेकिन वो बनना मुश्किल है थोड़ा सा काफी दिनों से अदनान ने बांसुरी नहीं बजाई अरे यार ये मुश्किल है है हाँ ये पहली बार फंसते हुए देखा मैंने आपको हाँ ये मुश्किल है थोड़ा सा क्यों इसका एक्टिंग क्या करूं हार मान ली चलो मान लिया मान ली हाँ हार मान ली सीधे सीधा क्यों उसकी एक्टिंग समझ नहीं आ रही ना मुझे चलो मैं एक ट्राई करता हूँ हाँ, उसके बाद हार मानता हूँ बोल नहीं सकते इसमें ठीक है नहीं बोल नहीं सकते हाँ बोल नहीं सकते हाँ अच्छा वो कर सकते हैं डम शर्ट में जिस हम करते हैं पहला वर्ड सब वन वर्ड पहला वर्ड मैं दूसरा वर्ड तीन सिलेबल इसका मतलब इंग्लिश इंग्लिश गर्ल वुमन ब्राइड गर्ल डांसर यार यार ये कुछ और इशारे कर रहे हैं मैं फिर कुछ बोल दूंगा फिर और फिर ये डिजिटल भी नहीं है ये ना कैमरा का नोटिस वोटिस आ जाए अच्छा हाँ पहला क्या था पहला वर्ड मैं हुँ? मैं दूसरा वर्ड दूल्हा हार हुँ? हार महार मेहर हाँ ये मेहर हक मेहर हक मेहर अभी मुश्किल था यार गुड यार लेकिन हाँ गुड यार यासिर भाई के लिए यार अगर ऑडियंस होती ना मैं तो उन्होंने लिखा मेहर अब मैं मेहर क्या का क्या हो गया मेहर कौन लिखा ही तुम लोगों ने जिन्होंने लिखा यहाँ पे तो कोई है नहीं ना जिससे भी लिखा है लेकिन जिससे भी लिखा है लिखे गलत है वो अच्छा, हक मेहर होना चाहिए ना आखरी आखरी है ये हाँ लास्ट ओ गॉसिप गॉसिप अच्छा गुड एक्टिंग मैम यार गुड एक्टिंग गुड यार तो अपना बोलते रहे मैं मैं समझ जाता हूँ ठीक है यासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका लेकिन जा रहे हो नहीं बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये सेगमेंट भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला अच्छा। अब आप मेरे लिए खाना बनवाएंगे प्रॉन्स नहीं यार प्रॉन्स नहीं यार प्रॉन्स इकबाला ने बोले थे प्रॉन्स बनाएंगे वो तुम लग रहा है मारने भी आ रहे होंगे यार नहीं अरे क्या खाना बनाएंगे आप खाना बनाएंगे हम मजीद डिस्कशन करेंगे
कि शो को और आगे कैसे लेके जाना है। नहीं, शो अच्छा जा रहा तुम्हारा, बहुत अच्छा जा रहा है। ये जो हमने सेगमेंट्स किए, मैंने जो आपको परफॉर्मेंसेस करके दिखाई, कैसा आप रेट करेंगे क्या? देखो, नहीं नहीं, रेट क्या करूंगा, ये शो इंशाल्लाह ताला जब रेटिंग आएगी और जब इसके मिलियंस में इंशाल्लाह व्यूज आएंगे तो खुद पता चल जाएगा कि शो कितना अच्छा जा रहा है, ट्रेंड करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शो दो बार यूट्यूब पे ट्रेंड किया है, बस ये तीसरी बार भी करेगा इंशाल्लाह। और यासिर भाई यकीन मानेंगे आप, नंबर वन ट्रेंडिंग शो। नहीं यार, नंबर यूट्यूब के ऊपर नंबर वन ट्रेंडिंग शो आज का शो, सीरियस बात कर रहा हूँ, आज के पूरा जो हम दो ढाई घंटे बैठे हैं हम लोग, गपशप लगाई हमने, उससे अंदाजा हो रहा है कि पसीने निकल गए, पसीने, खून पसीने, खून पसीना हमने दिया इस शो को दिया है, और इंशाल्लाह ताला इस शो भी हिट होगा हमेशा की तरह। और थैंक यू सो मच भाई, और वाकई मैं कह रहा हूँ अभी हम बनाते हैं प्रॉन्स बनवाते हैं, वो भी खाओगे, और जो जो हमारे दोस्त आए हुए हैं उन सबको मैं दाल चावल खिलाऊंगा आज। देखो बात तुम्हारे प्रॉन्स की हुई थी, प्रॉन्स की मेरी हुई थी, 1250 रुपए किलो हो गया, 1250 किलो हो गए प्रॉन्स, तो चलो 650 तुम खाओगे। अच्छा एक बात, एक बात बताए, घर का ये जो ग्रोसरी और सारा सामान होता है, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, लेकिन ये पता आपको प्रॉन्स 1250 रुपए? नहीं वो मजाक कर रहा हूं, मुझे सीरियसली पता, जिनको पता होगा वो हंस रहे होंगे, हो गए असल में, ये आपकी नॉलेज ठीक है, ये तो नहीं है कि निदा जी आपको कहती है कि यासे से जाओ डबरोटी पकड़ के ले आओ, आपस की बात है, सी फूड मैं खुद लेके आता हूँ। अच्छा, मेरा एक जानने वाला बंदा, वो मेरे लिए कॉल कर देता है, वो निकाल के रख देता है, मैं पैसे देता हूँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी फर्ज करें सर्फ खत्म हो गया, या सर सर्फ नहीं घर में ले आओ, कभी नहीं हुआ ऐसा यार, साबुन खत्म हो गए, शैम्पू नहीं, निदा को पता कि नहीं जाएगा, बोलती नहीं। मैंने शादी, बल्कि जो मेरे दोस्त हैं, मैंने जब शादी हुई थी मैंने पहले कह दिया था निदा को, मैं दो तीन चीजें हैं जो मैं नहीं करता ना करूंगा किसी भी दावत में, ये बच्चों को उठा के मैं नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि अक्सर मर्द हजार बच्चों देखे आप शादी में, बेगम तैयार हुई हुई है, बाप चल रहा है, मैं ये नहीं करूंगा। हाँ। मैं ग्रोसरी ये चीजें लाना मुझे मुझसे नहीं होता, पहले ही उनको कह दिया, मैंने पहले ही बता दिया था। अरे वाह, तो मैंने कोई बच्चा किसी शादी में नहीं उठाया, घर में खेलता रहा, उठाता रहा। फिल्मों में जो बनी है मूवीज, किसी में भी आप नहीं देखेंगे किसी बच्चे को आपने उठाया, मूवी शूवी में अलग बात है, वो डिमांड हो तो अलग बात है, नहीं नहीं शादी की फिल्में होती है जो आप वीडियो, उसका भी नहीं आप देखेंगे, मुझे कभी मैं बच्चे उठा के बैठा हुआ हूँ। दूसरा आपने कहा ग्रोसरी नहीं करता मैं, और दो तीन चीजें थी, मैंने रूल पहले बता दिए थे, मैंने तो चार रूल पांच रूल थे, निदा के 400-500 थे। उनमें से आपने माने 400-500 रूल? यार 500 थे, मैंने 600 माने हैं। यार मुझे जो नहीं पता था वो भी जो नहीं लिखे हुए थे वो भी रूल में आ गए। बट यासिर भाई थैंक यू सो मच, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके ना सिर्फ घर के बल्कि आपके दिल के दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले हुए हैं। नहीं नहीं, आप और मैं हमेशा जब भी आता हूँ आप मुझे इतने प्यार के साथ वेलकम करते हैं, इतने जबरदस्त हम शोज करते हैं, सो थैंक यू वेरी मच भाई, जब भी और बस आपकी दुआ और प्यार की मुझे जरूरत है, आपने दुआ करते रहना कि ये शो इंशाल्लाह तरक्की की और बुलंदियों को छुए, जब भी गुजरा करो ना हॉलीवुड का टूर, नहीं टूर नहीं, दुआ लेके जाया करो, मैं दुआ दे दिया, दुआ लेके जाया कामयाब कर हसन को, ठीक है। अब मैं वो कंक्लूड भी करता हूँ ना, अगर ऑडियंस देख रही होती, बिल्कुल ख्वातीनो हज़रात, उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये शो, हमारे ये सारे सेगमेंट्स आपको पसंद आए होंगे। यासिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ, तब तक अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कमाल।